फोन, यू हैव अ कैमरा, एवरीवन स्विच ऑन योर कैमरा, दोज हु डोंट हैव कैमरा इन फ्यूचर क्लासेस टेक योर क्लासेस फ्रॉम फोन, अदरवाइज टॉक टू मी थ्रू कॉल. जितने ये लॉग इन लॉग आउट हो रहे हैं, कितने बच्चे, आई गेस दे आर अराउंड 80 प्लस स्टूडेंट्स इन दिस बैच, एंड बाय 6:31 आई कैन ओनली सी 43. मतलब इज इट अ धर्मशाला और व्हाट, कि यू विल कम एट एनी टाइम, यू विल गो एट एनी टाइम? कुछ बच्चों की वजह से बाकी सब बच्चों को नुकसान होता है, और वो नहीं होना चाहिए. दिस शुड नॉट बी देयर. राहुल सिंह कैमरा ऑन क्यों नहीं है? निशांत कुमार कैमरा ऑन क्यों नहीं है? अक्षिता, स्वप्निल बिंद, मानस मिश्रा, मानस मिश्रा दो आईडी से क्यों हो? ये दूसरी आईडी किसकी है? सर वो भी मेरी है सर. एक मिनट, सुमन कुमार कैमरा ऑन किया जाए. प्रयाग गुप्ता, प्रणव क्या करोगे पढ़ के अगर डिसिप्लिन ही नहीं है, है ना? फालतू की क्लासेस करके क्या फायदा होगा? अगर आप सिंसियरली पढ़ना ही नहीं चाहते, सारे बच्चे अपनी कॉपी और पेन दिखाएं फटाफट स्क्रीन पे. देखिए, जैसे मैंने कॉपी और पेन के लिए बोला, बहुत से बच्चे लॉग आउट हो गए फिर से. ये शो करता है ना कितने सीरियस हो आप. सौम्या चैंपियन बनना भी है इस बार, ठीक है? यस सर. यस, कॉपी कहाँ है तुम्हारी? ओके, आज से आप, मैंने, मुझे एसएसटी वाले सर का जो ये जो स्ट्रेटजी है काफी अच्छा लगा है, कि वो आप लोगों से हर क्लास के नोट्स मंगवाते हैं, एंड आई बिलीव इट्स अ वेरी नाइस आइडिया. तो मैं आप सभी के साथ अपना एक ईमेल आईडी शेयर कर रहा हूँ डेडिकेटेडली. मैंने आप लोगों के लिए ही बनाया इस ईमेल आईडी को. तो आप सभी बच्चे हर क्लास का नोट, जिस दिन क्लास हो रही है ना, उसके नेक्स्ट डे आप मुझे इस पे मेल करेंगे. सर जो पहले के बनाया वो भी भेज दें? नहीं बेटा, आज से मैं प्रेशर नहीं डालूंगा आप पे. ओके सर, रिटर्न वर्क का प्रेशर नहीं डालूंगा. और सर हमें नोट्स खुद भी बनाने होंगे. हाँ बेटा, जो आप क्लास ले रहे हो ना, मैं सर हमें नोट्स खुद भी, हाँ बेटा नोट्स तो खुद बनाऊंगा. मैं तो लिखता रहता हूँ, तो आप उसको स्क्रीनशॉट लेते हो, उसको कॉपी में तो ऑब्टेन करोगे ना, उसको रफ वर्क होता है वो, तो जो आप सर मतलब आप जो हमारी क्लासेस हो रही है ना बेटा, इसके आप नोट्स तैयार करते होंगे, ठीक है? आप उसी चीज को आप मुझे शो करोगे थ्रू पीडीएफ. मतलब सर जो आज हम पढ़ेंगे उसको अच्छे से फेयरली नोट बना के आपको भेजना है मेल पे. एग्जैक्टली, आप अपने कॉपी में, एक जो आपकी ट्यूशन कॉपी है उसमें आप इस नोट्स को तैयार करेंगे. मैंने आप सभी को साथ ईमेल आईडी शेयर कर दी है, ठीक है? चैट बॉक्स में चेक करें, इज इट अवेलेबल? ओके सर. यस, जो बच्चे नए आए हैं कैमरा ऑन कीजिए. और आप लोगों को भी खास हिदायत, 6:25 तक सारे बच्चे लॉग इन हो जाएंगे नेक्स्ट क्लास से. टाइम वेस्ट नहीं करेगा कोई किसी का. अक्षिता तिवारी बेटा, अलग से आप लोग, आपको मैं क्या चिट्ठी भिजवाऊं कैमरा ऑन करने के लिए? अमान उल हक, अमान कैमरा ऑफ क्यों आपका? पीटीएम में तो बेटा आप बहुत एक्टिव थे, दूसरे पेरेंट को डिस्टर्ब कर रहे थे, आज आपका कैमरा ऑफ है, माइक ऑफ है, कुछ आप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो. अमान उल हक, कैन यू हियर मी? यस सर, कर रहा हूँ. ईशांत कैमरा ऑन करो, सुमन कुमार कैमरा, भानवी कैमरा ऑन करो, दिवेश, लवेश, क्या स्लो बच्चे हो यार आप लोग. नेक्स्ट लास्ट क्लास में कहां तक पढ़ लिया था हम सभी ने? लास्ट क्लास में
रिएक्शन विद एसिड्स देख लिया था, फिर आपने हमें 6 रिएक्शन देखने को दिए थे सल्फेट के साथ। ओके सो यस सर, सर आपने डीडीटी भी देखी, वो भी सॉल्व कर लिया और लिख भी लिया। मैंने क्या दिया था आप सभी को करने के लिए? सर डीपीपी करने को दी थी 24 क्वेश्चंस की, उसमें से एक क्वेश्चन गलत था, बाकी 23 क्वेश्चन सही थे। एक क्वेश्चन सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आ गया था। अरे अरे कोई बात नहीं बेटा, क्वेश्चन थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे होगा ही होगा उसमें, कोई बात नहीं, मैं देख लूंगा उसको, हो सकता है। अच्छा डीपीपी सब लाइव हो गई है क्या? यस सर, मेटलर्जी वाली भी हो गई थी। हाँ वो मेरे को बेसिकली उसको वेरीफाई भी करना था, वो बाय मिस्टेक लाइव हो गई है, यू कैन सॉल्व इट, बट वो वेरीफाई भी होना है। तो मैंने ईडीपी टीम से बात की थी, कोई इशू नहीं है, अगर आपके पास पहुंच गई तो आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो, हालांकि मैं उसको वेरीफाई कर लूंगा, उसके बाद वो फाइनलाइज होगा। मैंने इसलिए उसको मैं आपको बताया नहीं था, बट आपको एक दो दिन में मिलने वाली थी, वो मैं खुद बताने वाला था, तो हो सकता है शायद कल तक वो वेरीफाई होकर करेक्ट भी हो जाए, नो इशूज। एक आध क्वेश्चन अगर आउट ऑफ सिलेबस उसमें आ गए हैं, आई अपोलोजाइज फॉर दैट, बट दैट इज टेक्निकल एरर, नथिंग एल्स, तो मैं उसको करेक्ट करवा दूंगा। सर आप शुरू करते हैं। सर आपने आपने हम लोगों को बोला था रिसर्च करने को उस पे कि डायमंड और ग्रेफाइट में से ज्यादा स्टेबल कौन है। सर मेरे पास है आंसर, बताओ ज्यादा स्टेबल। सर मेरे पास आंसर ये है कि सर डायमंड जो है वो काइनेटिकली स्टेबल है, बिकॉज जब हम उसे ग्रेफाइट में कन्वर्ट करते हैं तो जो रिएक्शन होती है वो बहुत स्लो होती है, सो अकॉर्डिंग टू केमिकल काइनेटिक्स वो एक काइनेटिकली स्टेबल एलिमेंट है, सॉरी कंपाउंड है। बट सर जो ग्रेफाइट है जब हम उसे वापस से डायमंड में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं तो इट इज नियरली इम्पॉसिबल, बिकॉज द रिक्वायर्ड कंडीशंस आर अबव 2000 डिग्री सेल्सियस ऑफ टेम्परेचर एंड अप टू 12 गीगा पास्कल्स ऑफ प्रेशर विच इज not possible virtually. What I should say is it thermodynamically more stable or not? Yes sir, it is thermodynamically most stable form of carbon, but there should be some criteria at which temperature pressure which one is more stable. Sir yes sir, due to its abnormal conditions of conversion into there is no abnormal condition, find out more. Okay so in the last class we were discussing about reaction with acids, we were studying properties of metals, I guess. Sir, NCRT ki we were studying chemical properties of metal, beta is question ko chapter ke end NCRT ki statement pad rahe the, chapter class ke end mein is question discuss karenge, abhi bacche baithe hain isko padhne ke liye, hum class ke baad 8 baje ke baad is pe discussion kar lenge, no issues. Right now we need to focus on chemical property of metal. And in this, we were studying about reaction of metal with acid. Am I right? Yes, sir. So we have completed this. Sir, concentration acid. Concentration acid complete. And we have studied concentrated acid. Okay, sir. Okay. Yes, sir. Am I right? Last class, we itna hi padha tha humne. Sir, diluted acid. Yes, sir. Diluted or concentrated padha tha. Aur humne concentrated nitric acid ka bhi role padha tha humne. बहुत सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि व्हाई एल्युमिनियम डज नॉट रिएक्ट विद कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूट HNO3, पता किसी को? यस सर, साइड फॉर्म अ थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड, यस, बोथ ऑफ देम आर strong oxidizing agent and it forms aluminium oxide which is hard and impervious. So that's why sir, it is also very preventive to corrosion. Yes, and that layer, that layer of aluminium oxide is hard and impervious which further does not react with acid. Okay sir, HNO3 magnesium acids वो भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। क्या हुआ बेटा? सर HNO3 के अलावा जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं वो भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। नहीं बेटा, क्या फिर से बोलो, HNO3 के अलावा?
HNO3 के अलावा सर जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं जैसे HCl हो गया, H2SO4 हो गया, तो ये लोग ये चीज ये सब कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग होते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में वो हो सकते हैं। ओके सर। यस सर। हां बोलो सर। ये मतलब नेसेसरी है कि अगर सर जो रिएक्टिविटी सीरीज में जो सर टॉप मोस्ट एलिमेंट्स हैं वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव ज्यादा होंगे। मैंने बात करी इलेक्ट्रो रिएक्टिविटी सीरीज की, अभी छोड़ दे उसको, चिल कर। फिलहाल लास्ट क्लास में इतना पढ़ा था, ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया। अब हमें आगे बढ़ना है, अब हम बात करेंगे रिएक्शन विद हाइड्रोजन की। ओके रिएक्शन विद हाइड्रोजन, when we talk about reaction with hydrogen, we know that metal reacts with hydrogen to form metal hydride. Now, what which kind of metal is generally forming metal hydride? We need to focus on that here. See, this hydrogen is like a Karela. And we know that generally we don't like Karela, though it is good for our health, but we don't like it. So who can force us to eat Karela? Definitely it is our parent. If in presence of our parent, if they are forcing us, we will eat Karela. Similarly, this metal, if this metal is highly reactive, only in that case it can react with hydrogen to form metal hydride. Now, why that is happening? Because you know that hydrogen is also having electron donating tendency. So the contradiction here is ki both metal and hydrogen both have a tendency to lose electron. Though we are aware that metals above hydrogen have more tendency, but still you know that there will be a resistance. There will be resistance because both of them have a safe tendency, but a very high reactive element can force hydrogen to gain electron. Okay, remember a very highly reactive element can force hydrogen to gain electron, like potassium. Potassium when react with hydrogen, it gives you potassium hydride. Now why this reaction is occurring? Because we know that potassium is having electron donating tendency. It is going to lose one electron like this. Hydrogen doesn't have electron donating tendency, but this potassium will force electron to gain this. This potassium will force hydrogen to gain this electron and form hydride ion. And you know that this is positive charge, this is negative charge. This is how a metal hydride is formed. Now this is how metal hydride is forming. Here you can see that hydride is a anionic group. Yeah, anionic part of the molecule. Yes. Excuse me, sir. Yes. Sir, here how potassium can force hydrogen to gain an electron, and why only one? Yes, मैं समझाता हूँ. Suppose आप स्वतंत्रता सेनानी हो बेटा, और जैसे हम जो ये जो फ्रीडम फाइटर्स होते थे, और जब इन्हें कोई एक या दो इंसान आके फोर्स करता था खाना खा लो, ठीक है, तो खाना नहीं खाते थे. लेकिन जब उनके उनको कम से कम 15-20 अंग्रेज आकर जब उनको जबरदस्ती खाना खिलाया जाता था, तो वो उनको खाना पड़ता था, वो मजबूर हो जाते थे, क्योंकि बहुत वो फोर्स कर देते थे उन फ्रीडम फाइटर्स को. आप समझ पा रहे हो मेरा वे ऑफ एग्जांपल, कि जब किसी को आप बहुत ज्यादा फोर्स करोगे तो वो क्या करेगा, मजबूर हो जाएगा ना वो चीज करने के लिए. हाइड्रोजन की टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन लूज करने की, अग्रीड. तो जो हाइड्रोजन से जस्ट ऊपर वाले मेटल्स हैं वो शायद कन्विंस नहीं कर पाए हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए, बट मेटल्स लाइक पोटेशियम, लिथियम, सोडियम, कैल्शियम एंड इवन अबव दैट आल्सो, अबव लिथियम आल्सो, दे कैन आल्सो फोर्स, दे कैन वेरी इजीली फोर्स योर हाइड्रोजन टू गेन इलेक्ट्रॉन. अंडरस्टूड? यस सर. बट अगेन अनदर डाउट इज दैट सर, जब यहाँ पे एक एटम के साथ को फोर्स करके जो है उसके हाइड्राइड आयन बना के उसके साथ रिएक्ट कर लेगा, तो सर दूसरा भी तो एटम बचेगा हाइड्रोजन का जो ए प्रोटिक बॉन्ड बना रखा था, मतलब प्रोटिक बॉन्ड बना रखा. यू आर सेइंग दैट देयर इज अनदर हाइड्रोजन एटम व्हिच इज फॉर्मिंग H+ आयन. यू आर सेइंग दिस थिंग? यस सर, यस सर. सी, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग दैट
you know that two positively charged ions do not combine with each other. So if potassium is in positive state, definitely it is not going to combine with the H plus ion. Okay? A cation can only combine with an ion. सर नहीं समझ आया सर मुझे इंग्लिश में नहीं आसान भाषा हाँ ठीक है कोई बात नहीं मैं आसान भाषा में बोलता हूँ आसान भाषा में ये समझो कि अगर कोई पॉजिटिवली चार्ज्ड है तो वो दूसरे पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन के साथ केमिकल कॉम्बिनेशन कैसे कर सकता है देखो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव की तरह मत देखो बेटा आप इसको इस तरह से देखो कि बॉन्ड फॉर्मेशन जो हो रही है यहाँ पे कौन सी बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है और आप सभी को पता है कि आयनिक बॉन्ड में एक एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है दूसरा एटम उसको लेता है तभी उनके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होता है उसी को हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड अगर यहाँ पे पोटेशियम इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो हाइड्रोजन उसी इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है तब इनके बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है ठीक है तो सर दूसरा हाइड्रोजन कहाँ गया मतलब जो उसी दोनों हाइड्रोजन जो आपस में यहाँ पर है बेटा अगर आप इसको इस तरह से ब्रेक कर रहे हो कि सर एक एच प्लस टूटेगा एक एच नेगेटिव टूटेगा ऐसा नहीं हुआ है ठीक है हाइड्रोजन है दो हाइड्रोजन है दोनों हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा समझ रहे हो और एक पोटेशियम नहीं होगा समझो 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 बेटा एक पोटेशियम सिर्फ एक पोटेशियम आयन नहीं है और सिर्फ एक हाइड्रोजन आयन नहीं है ठीक है या एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल नहीं है बहुत सारे पोटेशियम के एटम हैं और बहुत सारे हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं ओके सर अंडरस्टूड तो एक पोटेशियम आयन एक इलेक्ट्रॉन देगा एक हाइड्रोजन एटम को लेकिन और भी तो पोटेशियम एटम है ना इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए दूसरे हाइड्रोजन एटम को इलेक्ट्रॉन देने के लिए और उसको हाइड्राइड आयन में कन्वर्ट करने के लिए यस सर यस सर ओके यस सर आ गया अच्छा एक्वा रिजे के बारे में बताया था आप सभी को लास्ट क्लास में ना अच्छा अगला जो हम बात करेंगे रिएक्शन विद क्लोरीन का अब देखो यहाँ पे बहुत इजी रिएक्शन है रिएक्शन और लिखता हूँ मैं ये आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत काम आएगा सर क्या चीज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम आएगा रिएक्शंस जो लिख के दे रहा हूँ ठीक है ये लिथियम वाला है नहीं कोर्स में पर लिख लो लिथियम हाइड्राइड बनेगा तो देख सकते हो आप ही सारे हाईली रिएक्टिव मेटल्स ही कंबाइन कर रहे हैं हाइड्रोजन से मेटल हाइड्राइड बनाने के लिए क्योंकि मेटल हाइड्राइड बनाना है तो हाइड्रोजन को फोर्स करना पड़ेगा सर मैग्नीशियम नहीं करेगा क्या मैग्नीशियम रिएक्ट नहीं करेगा हाइड्रोजन के साथ ड्रास्टिक कंडीशंस क्रिएट करनी पड़ेगी आप समझ रहे हो जैसे वैसी रिएक्शन तो वैसी हो रही है हाँ बोलो इसमें क्या समझ नहीं आ रहा आपको हाँ बोलो बेटा क्या डाउट है सर आपने बोला सर मतलब जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स होंगे तो सर हम यहाँ पे मोर रिएक्टिव इन द सेंस ले रहे हैं कि जो हाइड्रोजन से ऊपर होंगे रिएक्टिविटी सीरीज में देखो बेटा फिर कहा मैंने आपको कि हाइड्रोजन से ऊपर वाले हैं अगर आप चाहते हो वो रिएक्ट करें तो आपको ड्रास्टिक कंडीशंस क्रिएट करनी पड़ेगी जैसा कि आपने ऑक्सीजन के साथ कॉम्बिनेशन लेकर आया था कि कुछ तो हवा में आते ही रिएक्शन कर रहे थे लेकिन जैसे जैसे आप नीचे गए आपने ऑब्जर्व किया कि रिएक्शन होने के लिए बहुत ड्रास्टिक कंडीशन देनी पड़ेगी किसी को तो लंबे समय तक हीट करना पड़ा तब जाके उसने रिएक्ट किया ऑक्सीजन से ठीक है तो मैं ये थोड़ी नहीं कह रहा हूँ कि मैग्नीशियम के हाइड्राइड्स नहीं बन सकते ठीक है या जिंक के हाइड्राइड्स नहीं बन पाएंगे हाइड्राइड्स तो बन सकते हैं लेकिन सिंपल सी बात है बेटा आपको कंडीशन ड्रास्टिक देनी पड़ेगी हाई टेम्परेचर पर करना पड़ेगा सारा कुछ समझ में आ रहा बेटा सर जो हाइड्रोजन से लेथ रिएक्टिव है वो हाइड्रोजन को सर जो हाइड्रोजन से लेथ रिएक्टिव है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर सकते हैं हाइड्रोजन फिर से बोलो
सर जैसे कि ये तो हाइड्रोजन तो कह रहे हैं जो हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है, वो तो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है तो रिएक्ट कर पा रहे हैं, पर जो हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव होंगे वो रिएक्ट कर पाएंगे ड्रास्टिक कंडीशंस में भी? ड्रास्टिक कंडीशंस में किसकी रिएक्शन कराएं बताओ सर? हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव कोई भी कॉपर हाइड्राइड ये सर हो पाएगा ड्रास्टिक कंडीशंस में भी? तो कंपाउंड तो एग्जिस्ट करता है बट बहुत लंबे समय तक उसको हीट करना पड़ेगा आई गेस। कंपाउंड कॉपर का हाइड्राइड एग्जिस्ट करता है, कॉपर का हाइड्राइड CuH क्यूप्रस फॉर्म में कॉपर एग्जिस्ट करता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि झट से रिएक्ट हो जाए, यहाँ पे काफी लंबे समय तक रिएक्शन होगी तब जाके कॉपर हाइड्राइड क्यूप्रस हाइड्राइड बनेगा। मैं वही तो कह रहा हूँ, यहाँ पे क्यूप्रस होता है बेटा, क्यूप्रस तभी तो बोल रहा हूँ क्यूप्रस। क्यूप्रस शब्द मैंने क्यों यूज किया है क्योंकि कॉपर प्लस वन स्टेट में है, क्यूप्रिक होता तो CU प्लस टू होता। CU प्लस थ्री होता तो नहीं होता बेटा, CU प्लस थ्री नहीं होता, जैसे दो ही एग्जिस्ट करते हैं क्या बेटा? सर बोलो सर, ये सारा आयन से खेले तो सर एक आयन से रिलेटेड एक डाउट था सर। बोलो हाउ टेम्परेचर एंड आयन से रिलेटेड सर ये बता दीजिए। हाउ टेम्परेचर एंड आयन आर रिलेटेड ये पूछ रहे हो? यस सर। एक सेकंड का आप लोगों की तो आवाज नहीं आ रही, मैं स्पीकर से डालू। अब बोलो आवाज, अब बोल के दिखाना बेटा एक बार। हेलो आवाज आ रही बेटा? यस सर आपकी आवाज आ रही है। यस सर आपकी आवाज। यस सर हाँ, तो आप पूछ रहे हो हाउ टेम्परेचर एंड आयन आर रिलेटेड। देखो इस बात को समझने के लिए आपको चैप्टर फिफ्थ में जाना पड़ेगा, वहां पे एक टॉपिक है एनर्जी। प्लीज प्लीज लेट मी स्पीक। वहां पे एक टॉपिक है आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी ये कहता है कि किसी भी सुमन कुमार, प्रयाग गुप्ता, निशांत कुमार, विधि गुप्ता, युगांक, निशांक, तनिष्का, ऋषिराज, मीनू, नितिन, आदित्य, ईशांत सिंह, अभी कैमरा ऑन किया, सभी कैमरा फटाफट ऑन हो रहे हैं। हाँ तुम्हें क्या लग रहा है बीच में मॉक चेक नहीं करूंगा मैं? कैमरा ऑन करके रखिए। भानदी कुशवाहा प्रणव, तो बेसिकली वहां पे टॉपिक है आयोनाइजेशन एंथैल्पी या आयोनाइजेशन एनर्जी। होता क्या है वहां पे उस टॉपिक के अकॉर्डिंग या उस टर्म में हम ये समझते हैं कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove an electron from an isolated gaseous atom is called ionization energy. Suppose ऐसा assume करना है कि एक atom है, उसके आसपास उस तरह कोई और atom नहीं है, isolated एकदम, वो gaseous form में है, उससे electron निकालने के लिए जो energy लगेगी उसी को बोलते हैं ionization energy. अब जैसे जैसे आप temperature बढ़ाओगे मॉलिक्यूल के पास उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ती जाएगी, तो उतना ही इजी होगा उस इलेक्ट्रॉन निकालना और उतना ही इजी होगा आयंस का फॉर्मेशन। एम आई राइट सौम्या? यस सर। यस तो टेम्परेचर इज डिपेंडेंट, सॉरी आयनिक फॉर्म ऑफ एन एटम, ईज ऑफ आयनिक फॉर्मेशन ऑफ एन एटम is dependent on temperature and it can be formed more easily as we increase temperature. Yes sir, actually main sir suni nahi raha tha, main camera on kar, main mujhe aisa sunai nahi raha tha. Yes sir, are camera on kar sir, mera camera on hai. Ha tera camera on hai, ab bol sir. Main keh raha statement repeat kar dijiye ek bari. Kya स्टेटमेंट रिपीट कर दीजिए एक बार बेटा? अभी वो पढ़ाऊंगा फिफ्थ चैप्टर में, तेरे को मैंने आसान भाषा में बस ये समझाया है कि गैसियस एटम में ना वो एक एटम है आइसोलेटेड स्टेट में, सबसे अलग है और उस इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है उसी को बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना ही इजिली इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा उससे, तो टेम्परेचर बढ़ने से आयन फॉर्मेशन की ईज ऑफ आयन फॉर्मेशन अटेन हो जाता है।
ठीक है, बस ये कह रहा हूँ, इससे आप सोचो भी, काम डाउन, जब वो टॉपिक आएगा फिर चैप्टर में उसको ढंग से लर्न करेंगे। सर, हाँ सर, सब में जो है रिएक्शन के बाद NaH, LiH, सर इसमें कैल्शियम में CH2 क्यों बना? कैल्शियम प्लस टू स्टेट में एग्जिस्ट करता बेटा, कैल्शियम के पास, अब तू खुद सोच कि तेरे पास मान लो CBI का छापा पड़ रहा है, ठीक है, और तेरे पास पुराने वाले नोट के हजार हजार के जो नोट हैं, तेरे पास 2 करोड़ थे, ठीक है, तूने 1 करोड़ फेंक दिया बाहर, है समझ रहा है, तो क्या तू स्टेबल हो पाएगा अभी भी? क्या तेरे मन का जो खौफ है वो चला जाएगा? नहीं सर, डर जो अभी रहेगा, डर तो अभी भी रहेगा, क्योंकि तुझे पता है कि जो 2 करोड़ रुपए जो ब्लैक मनी है ये मुझे परेशान कर रहा है, तो इट्स बेटर कि दोनों दो करोड़ में इसको साफ करूं ताकि मैं क्लीन हो जाऊं, ठीक है, मैं ऐसे एग्जांपल ले रहा हूं, ऐसा मान मत लें तेरे पास 2 करोड़ हैं, ठीक है, तुझे भी कमाना है, ब्लैक मनी नहीं होती बेटा ऐसे, इतना इजी नहीं होता है पैसा इस तरह पैसा स्टोर करना, ठीक है। तो अगर आप कैल्शियम को देखोगे ना तो उसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो अब या तो कोई मतलब बहुत बड़ा घोटाला किया हुआ 20,000 करोड़ का कि नेता से लेकर अभिनेता तक सबको खिला दो आप तो सब कुछ सॉल्व हो जाए, है ना, अब 1-2 करोड़ घोटाले में क्या ही बचाओगे और क्या ही खिलाओगे, इससे अच्छा है सब छुपा दो या डिस्ट्रॉय कर दो, कम से कम जान तो बचेगी। तो वो कैल्शियम के साथ ही वही कहानी है कि कैल्शियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन निकालने से वो और ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि उसने 1 इलेक्ट्रॉन निकाला उसमें उसकी एनर्जी का खर्चा हुआ, फिर 1 इलेक्ट्रॉन और है वो भी उसका खर्चा ही बढ़ा रहा है, ठीक है, उससे उसको स्टेबिलिटी नहीं मिली, ऑक्टेट नहीं मिला उसको, या डुप्लेट भी नहीं मिला उसको, नोबल गैस बनना है ना उसको, है ना, अब हर किसी को अच्छा इंसान बनना है, अच्छा इंसान बनने की कंडीशन क्या है कि आप एकदम सिंपल लिविंग हो, है ना, हाई थिंकिंग हो, पैसा है ये अफेक्ट कर रहा है ना, तो आप चाहोगे सब कुछ रिमूव करना, तो वैसे इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन 2 निकालोगे तो ही स्टेबल होंगे कैल्शियम आपके, नहीं तो नहीं होंगे वो स्टेबल। बाकी बच्चे जो कैमरा ऑफ करके बैठे हैं कैमरा ऑन कर लो, आप लोग सच में यार गजब बच्चे हो, आपको लग रहा है बहुत कूल है कैमरा ऑफ करना है, बेवकूफ हो आप लोग जो कैमरा ऑफ कर, आप ये शो करता है आप लोग कितने डिसिप्लिन हो, ठीक है, लाइफ को डिसिप्लिन से जी सकते हो आप, लाइफ में एक पॉइंट आएगा आपको बात समझ में आएगी, बिना डिसिप्लिन के आप लोग नहीं चल सकते, वो डिसिप्लिन आज लेकर के आओ, और अभी नहीं आएगा ना बेटा, तो लेट मी टेल यू जो इस साल 10th रिजल्ट आया ना, बहुत से बच्चे रो रहे हैं, उनको तो ये लगा प्री बोर्ड की वैल्यू क्या ही होती है, हम तो बोर्ड परफॉर्म करेंगे, हम फंदे खाएं, उनका प्री बोर्ड का मार्क्स उठाकर डाल दिया उनके बोर्ड एग्जाम में, तो कभी भी किसी को हल्के में ना लें, ठीक है, कभी भी किसी भी चीज को हल्के में ना लें, ये खुद से थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, समझना चाहिए, 10th का बच्चा बहुत मेच्योर होता है, मैं 10th में था, मैं तो बहुत समझदार था और मैं तो बहुत पुराना बेटा, 2006 में था मैं 10th में, तो सोचो 2006 की मैं कितनी मेच्योरिटी थी, आप लोगों के पास इतने सारे डिवाइसेस हैं चीजों को लर्न करने के लिए, तो आप लोग तो मुझसे कम से कम 10 टाइम ज्यादा मेच्योर हो, ठीक है, उस टाइम के उस एज के मुकाबले, तो आप लोग ऐसी बेवकूफी कर रहे हो तो दिस विल अफेक्ट यू। डाउट क्लियर है बेटा, कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन क्यों लूज कर रहा है सर? बाकी सब में तो हम बैलेंसिंग से इक्वल करेंगे ना, क्या बेटा सर, जैसे कैल्शियम के उसमें तो उसके 2 था, पर सर जैसे Na प्लस H2 था तो उसको तो हम बैलेंसिंग से इक्वल करेंगे ना? हाँ बैलेंसिंग कर लो, जिसमें बैलेंसिंग करनी है उसे बैलेंसिंग कर दो, लो हो गया बैलेंस, यस सर, वो आपकी इच्छा है बैलेंसिंग का। चलिए ओके सर, अब हम बात करते हैं रिएक्शन विद क्लोरीन की। अब यहाँ देखो सिंपल सी बात है, देखो पैसों की भाषा बड़ी प्यारी भाषा होती है, ठीक है, 1 साल का बच्चा भी समझता है, रो रहा है उसके हाथ में 10 का नोट दे दो चुप हो जाएगा 2 मिनट में। सो मेटल रिएक्ट्स विद क्लोरीन टू गिव्स यू मेटल क्लोराइड, समझना मेटल की टेंडेंसी क्या है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन देने की,
टू लूज इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी क्या है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन गेन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ब्रेक करना चाहता है इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है कोई प्रॉब्लम है इनके बीच में नहीं है आराम से बनेगा मेटल क्लोराइड है ना इसने इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया इनके बीच में आयनिक बॉन्ड बन जाएगा सो इट इज अ आयनिक कंपाउंड देखो आयनिक कंपाउंड वो कंपाउंड होता है जिसमें एक एटम इलेक्ट्रॉन देता है दूसरे एटम को एक या एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है ठीक है और इसकी वजह से एक पे आता है पॉजिटिव चार्ज एक पे आता है नेगेटिव चार्ज उनके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होता है उसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस हैं तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसी को हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड ठीक है बॉन्ड जो जितना बॉन्ड बॉन्ड जिंदगी भर जो बॉन्ड सुनोगे ना ये कुछ नहीं बेटा एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही है याद रखना इस बात को ज्यादा कॉम्प्लिकेट मत करना लाइफ को अपने इसको सुन के हाँ बोलो सर ये आयनिक बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग हैलोजेंस और अल्कली मेटल्स के बीच में बनता है हाँ जितना इजीली वो डोनेट कर देगा उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा आयनिक है ना ओके सर ओवरलैपिंग भी होता है बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं बेटा मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ बहुत जल्द इसमें मैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बारे में बात करूंगा ओवरलैपिंग के बारे में बात करूंगा तो वीडियो आप लोगों का जो बॉन्डिंग का जो है ना कंफ्यूजन बताने की कोशिश करूंगा तो बहुत चीजें होती हैं एक होता है ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं एक होता है ओरिएंटेशन उन ऑर्बिटल्स का आप लोगों ने तो सिर्फ एक एक सिग्मा बॉन्ड सुना होगा वैसे बता दूं सिग्मा होता है डेल्टा होता है पाई होता है सुना है इन बॉन्ड्स के बारे में सर दो नो था सर मतलब इनके सिंबल्स से सर दो ऊपर नो सर इसमें चार बॉन्ड होते हैं इसमें पांच बॉन्ड होते हैं सर टॉपिक में पढ़ने वाला था लेकिन मेरे को टाइम नहीं मिल रहा ट्वेल्थ तक आपको सिर्फ और सिर्फ इतना पढ़ाया जाएगा ट्वेल्थ तक सिग्मा पाई में कहानी खत्म हो जाएगी आपकी इनफैक्ट जे एन हीट में भी यहीं तक खत्म कर देंगे आपकी पढ़ाई को बहुत कुछ भी नहीं ट्वेल्थ तक तो पढ़ाई में ये है कहानी बड़ी मजेदार कहानी है इसकी ठीक है मैं पढ़ाऊंगा नहीं तुमको लास्ट में पढ़ाऊंगा कभी वीडियो बनाऊंगा देख लेना क्या सर देखेंगे ओके सर हाँ सर एक बार आयनिक कंपाउंड की डेफिनेशन फिर से बता देना क्या क्या बेटा सर मैं कह रहा था कि आयनिक कंपाउंड की डेफिनेशन फिर से बता देंगे बताता हूँ बिल्कुल पहले मैं अपना ये बहुत सारे तो हम लोग बाद में डिटेल में भी पढ़ेंगे ना आयनिक कंपाउंड को हाँ अलग से है मैं वही तो कह रहा हूँ और आपको थोड़ा बहुत आइडिया लेके चलना है अभी देखो बता एक एग्जांपल लेके समझा देता हूँ ठीक है यस सर ऑर्गेनिक बनता कैसे देखो नाइन्थ में आप लोग मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि नाइन्थ में आप लोग ये पढ़ के आते हो देखो अगर एनएससीएल की बात करूँ तो एनएससीएल एक आयनिक कंपाउंड है अभी कैसे है वो समझते हैं सोडियम की बात करूँ तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11 10 तक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इस तरह से पढ़ते हैं 2 8 और 1 सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है और ये क्या बनाएगा 2 और 8 इस इलेक्ट्रॉन लूज क्यों किया आप देख सकते हो यहाँ पे इसका नियॉन वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हो गया है बात करते हैं क्लोरीन की क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 287 और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा बनाएगा क्लोराइड आयन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 288 अब इजीली यहाँ देख सकते हो कि सोडियम प्लस वन स्टेट में आ गया क्लोरीन माइनस वन स्टेट में आ गया आसान भाषा में बोल तो हुआ क्या है सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन था और क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने थे 7 थे आप देख सकते हैं यहाँ पे सोडियम को ये दिखा कि अगर मैं इसको ये इलेक्ट्रॉन दे दूंगा तो मैं तो बन जाऊंगा नोबल गैस जैसा ये भी बन जाएगा नोबल गैस जैसा है ना तो वही तो हुआ है इसने अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज इस पे आ गया नेगेटिव चार्ज इस कारण से इस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होता है इन दोनों बीच में इस कारण से जो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होता है उसी को हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड और ऐसे कंपाउंड जिसमें आयनिक बॉन्ड होता है उसी को हम बोलते हैं आयनिक कंपाउंड सर जो ये सोडियम जो होता है सर वो जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्री स्टेट में छोड़ देता है मतलब एनवायरमेंट में कैसे बोल सर जो आवाज आ रही था मेरी आ रही है बहुत धीरे आ रही है पता नहीं क्यों सर जो सोडियम होता है वो जो इलेक्ट्रॉन होता है उससे ऐसे फ्री स्टेट में एनवायरमेंट में छोड़ देता है नहीं बेटा आयनिक स्टेट में नहीं होता ये आपस में केमिकली कंबाइन कर जाते हैं
आयनिक स्टेट में कैसे होगा? ओके सर ओके, मतलब कभी आयनिक स्टेट में एग्जिस्ट करता ही नहीं है। आयनिक स्टेट में उसको अलग करोगे तो ऑब्वियसली बात है इन इन रिएक्शन इंटरमीडिएट के फॉर्म में मे बी इट कैन कम, बट वो टाइम ऐसा नहीं है कि आपके हाथ में आ जाएगा। ये देखो सोडियम आयन मेरे हाथ में, ऐसा नहीं होगा। मतलब ये जो एन ए प्लस सी एल नेगेटिव बना रहा हूँ ना, ये रिएक्शन के दौरान बनती है, या फिर वो एक्वस स्टेट में अगर अवेलेबल है उस दौरान वो आयनिक फॉर्म में आ सकता है, नो इश्यूज। ठीक है, मोल्टन फॉर्म में भी वो आ सकता है। यस क्यों नहीं रह सकता? तो एक पैर पे खड़ा हो सकता है, जवाब दे। जैसे थोड़ी देर बस मैं भी तो कह रहा हूँ, रिएक्शन के दौरान थोड़ी देर उस स्टेट में आ सकता है, सिंपल सी बात है ना, स्टेबल नहीं है उसमें वो। ठीक है, स्टेबल का मतलब क्या बेटा, अकेला नहीं रह पाएगा ये, भले इसने अपनी स्टेबिलिटी गेन करी है, लेकिन स्टेबिलिटी गेन किस कैसे करी है इसने, इलेक्ट्रॉन दे के करी है इसको, तो ऑब्वियसली बात है इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगा जो इनको साथ में रखेगा। ठीक है, एन ए प्लस ऐसे फ्री फॉर्म में नहीं घूम सकता है, भले इसने नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन करी है, इसका जो न्यूक्लियस है उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आया है, और न्यूक्लियस के अंदर चेंजेस लाने की कोशिश ही मत करना, धमाका हो सकता है। ठीक है, वो न्यूक्लियर रिएक्शन आ जाएंगे। सर हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। हाँ, क्योंकि अगर आप प्रोटॉन न्यूट्रॉन को चेंजेस करोगे तो दैट विल बी सर जो ऊपर रिएक्शन लिखी है आपने, इसमें जो हम सोडियम एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे रहा है, इसका मतलब टू बी स्टेबल, इसका मतलब है स्टेबल होने के लिए। ऑब्वियसली बात है, स्टेबल होने के लिए क्या था, समझो ऐसा कि आपने लेट मी थिंक अ गुड एग्जांपल। हाँ अच्छा एग्जांपल आ गया कि आप हो आपका भाई है या आप हो आपकी बहन है। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन योर जेंडर आप एक कहानी ज्यूम कर सकते हो। तो आप दोनों ने मिलकर तय किया कि हम एक पीएस सिक्स चल रहा है, पीएस फोर चल रहा है, लेटेस्ट कौन सा आ गया प्ले स्टेशन, पीएस फाइव सर, पीएस फाइव सर। ये क्या होता है प्ले स्टेशन बेटा, वीडियो गेम होता है, मेरे पास भी नहीं, डोंट वरी। तो प्ले स्टेशन आप लोगों ने खरीदने का प्लान किया, ठीक है, तो थोड़े पैसे आपने दिए और थोड़े पैसे उसने मिला दिए अपने, तो पूरा हो गया अमाउंट, अब आ गया प्ले स्टेशन घर पे। अब ऐसा हो सकता है क्या तुम दोनों अलग अलग रहो, तो साथ बैठ के मिलके खेलना पड़ेगा ना, ऐसा तो नहीं होगा ना वो अकेला ही खेलेगा या तुम अकेले ही खेलोगे। यस सर, आप पहले अलग अलग पबजी खेलते थे अपने अपने फोन में अपने अपने कमरों में, लेकिन जब से प्ले स्टेशन आया तो आपको साथ मिलके रहना पड़ेगा, क्योंकि प्ले स्टेशन पर खेलना है तो साथ मिलके ही खेलोगे, अलग अलग नहीं खेल सकते। है ना अच्छा एग्जांपल? यस सर, बढ़िया सर। पढ़ भी लिया करो कभी सर, चिंता मत करो, हम तो पढ़। अरे वेरी नाइस सर, साथ मिलके नहीं पढ़ पाएंगे सर, मेरे बगल में कोई मूर्ति बन के भी रह जाता है मुझे तो भी गुस्सा आता है उसके ऊपर, वो क्यों है? कोई बात नहीं, ध्यान देखते हैं अभी यहाँ पे। पोटेशियम रिएक्शन क्लोरीन फॉर्म पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम रिएक्शन क्लोरीन फॉर्म सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम फॉर्म कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम फॉर्म मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है, एल्यूमिनियम रिएक्ट विद क्लोरीन फॉर्म एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है, इसके बाद क्या आता है, तो जिंक आता है, जिंक क्लोराइड। सर इनके तो बीच में भी बहुत सारे एलिमेंट्स आते हैं, वो लिखता नहीं हूं मैं, कितना लिखूं आपको, तो स्कूल में दो तीन लिखाएंगे, मैं तो चल लिखवा भी रहा हूं। यस सर, वो भी बात है, लेकिन सर मॉड्यूल में बहुत लंबा दे रखा है, मैंने आज ही याद किया। वेरी नाइस, कर लो उस पे आज, यहाँ तक कि कॉपर भी रिएक्ट कर सकता है क्लोरीन से। ठीक है, ठीक है बेटा, आप देख सकते हो यहाँ पे, yes, sir. यहाँ पे कॉपर की रिएक्शन हो रही है क्लोरीन से। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे FeCl3 बनेगा मेरे हिसाब से।
क्या कह रहे हो सर? बीच में स्क्रीन लैग हो रही है। कोई बात नहीं, मैंने सिर्फ रिएक्शन से लिखी है। मैं बस ये बताना चाहता हूँ इन रिएक्शंस में अगर आप देखोगे तो आपको ये समझ समझ में आएगी कि डाउन द ग्रुप यू विल ऑब्जर्व दैट द ईज ऑफ फ्लोराइड फॉर्मेशन इज डिक्रीजिंग। पोटेशियम कैन रिएक्ट विद क्लोरीन विग्रसली फॉर्म पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम अगेन कैन रिएक्ट वेरी इजिली विद क्लोरीन फॉर्म सोडियम क्लोराइड एंड सो ऑन। कॉपर रिएक्ट्स विद क्लोरीन फॉर्म्स कॉपर क्लोराइड बट अगेन रिएक्टिविटी इज डिक्रीजिंग एज कम्पेयर टू पोटेशियम, बट हेयर रिएक्शन इज पॉसिबल। एंड एग्जाम्पल का क्वेश्चन आता है कि कॉपर जो है वो क्लोरीन से रिएक्ट करके CuCl2 बना रहा है, लेकिन वही कॉपर HCl से रिएक्ट करके CuCl2 नहीं बनाता। ये रिएक्शन नहीं होती है, ये रिएक्शन होती है। Why? कौन बताएगा? क्योंकि सर कॉपर हाइड्रोजन के नीचे है, सर कॉपर हाइड्रोजन के नीचे है। कौन बताएगा इसका आंसर? सर कॉपर को बताएगा। चुप हो जाओ। कौन बताएगा? सर कॉपर रिड्यूसिंग एजेंट है तो सर वो हाइड्रोजन। अच्छा कैमरा ऑफ करके बोलेगा तू। युगांक जैन बताओ बेटा आंसर। युगांक बेटा, युगांक कैन यू हियर मी? यस सर। यस सर। तो नहीं है, घूम तो नहीं रहता घर में अपना आराम से, फोन वन साइड करके टीवी खोल के बैठ गया हो कहीं? नो सर, एक्चुअली वो नेटवर्क प्रॉब्लम थी तो मैं चेक कर रहा था क्या हो रहा है। लॉट ऑफ नेटवर्क प्रॉब्लम, आई अंडरस्टैंड। जो बेटा आप लोग जो है इस बात को मान लो कि आपको ऑनलाइन ही पढ़ना है आने वाले एक साल में, ठीक है? तो आप लोगों के एरिया में अगर जियो फाइबर है 399 में आपको अनलिमिटेड 30 Mbps की स्पीड दे रहा है, लगवा लो, बहुत अच्छा प्लान है, ठीक है? ये मैं कोई प्रमोट नहीं कर रहा हूँ ब्रांड, मैं पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है? मेरे एरिया में लगाया हुआ लोगों ने तो वो अच्छा चल रहा है, ठीक है? आई हैव 100 Mbps प्लान, इट इज वर्किंग वेरी फाइन। आप कुछ भी लगाओ, सस्ता वस्ता वाई फाई भी लगवा सकते हो। वाई फाई नहीं लगवाना तो एक बल्क डेटा ले लो, अच्छा सिम का ले लो जिसमें आपको डेटा मिले और आपको कैमरा ऑन करने में दिक्कत ना हो, आपको नेटवर्क इश्यूज ना हो, आपके एरिया जो नेटवर्क बेटर है उसका ले लो। अपने इंटरनेट इश्यूज को रिजोल्व करो, प्रायोरिटी रिजोल्व करो। ऐसे देखो होते हैं कि हम परेशान है सर, नेटवर्क इशू रहेगा। मेरे में भी था, मैंने सिर्फ वाई फाई लगवाया आप लोगों के लिए, मेरे बच्चों को दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेरे वजह से, ये सोचा ना मैंने इस तरह से। ऐसे आपको भी सोचना अपने बारे में, मैं तो आपके बारे में सोच रहा हूँ, सोचना है। मेरे नेटवर्क प्रॉब्लम थी तो छत वाले कमरे में पढ़ता था पहले। मैं भी आपको स्टोर रूम में बैठ के पढ़ाता हूँ, ठीक है? दैट इज अ काइंड ऑफ स्टोर रूम ओनली, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बस नेटवर्क अच्छा था। तो अब स्टार्टिंग से मैंने यहीं पढ़ाया तो अब मैं यहीं पढ़ाता हूँ, क्योंकि एक एनवायरमेंट मिल जाता है, एक शांत एनवायरमेंट मिलता है, सो आई एम हैप्पी टीचिंग यू हियर। तो थोड़ा बहुत पेन हमें भी लेना पड़ता है, थोड़ा बहुत आप लोग भी लो अपने लिए, ठीक है? तो ये मैं कहना चाहूंगा आप सभी को, मैंने बाकी बच्चों को भी कहा है कि नेटवर्क इश्यूज रिजॉल्व कीजिए, ये आपकी प्रॉब्लम है, यू हैव टू डील विद इट। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन नोइंग दिस, ठीक है? एक आध दिन चलता है, हर बार नहीं चलेगा। आगे बढ़ते हैं। सर एक डाउट था। कौन बोल रहा है? युगांक कहाँ है? युगांक बेटा आंसर बताओ पहले। यस सर। अरे बता बेटा, टाइम वेस्ट मत कर, जल्दी कर। कॉपर HCl से रिएक्ट करके CuCl2 नहीं बना रहा, पर कॉपर क्लोरीन से कर रहा है, ऐसा क्यों? मतलब CuCl2 तो बन ही रहा है ना दोनों में, तो वैसा नहीं, ऐसे होगा, ऐसा क्यों? बस रहे तो आप इसका आंसर बताएगी हमें यशी। यशी बेटा सुन पा रहे हो मेरे को? मैं तो आपको देख नहीं पा रहा हूँ, आप स्क्रीन पे नहीं देख रहे हो। यशी कैन यू हियर मी? यस सर। बताओ बेटा इसका आंसर। यशी ये कैमरा इज ऑफ आई गेस। यशी राय, यस ये कैमरा इज ऑफ, दैट्स व्हाई यू आर नॉट विजिबल टू मी। यस टेल मी। यशी कैन यू हियर मी? कैन यू टेल दिस आंसर? Yes, sir, I can hear you. So tell me the answer. Okay, so we will switch to the student. Soumya, beta, batao iska answer. Sir, iska answer ye hai, kyunki sir, jo
हाइड्रोजन है सर वो मोर रिएक्टिव है कॉपर से, तो वो उससे जो कॉपर है उसको डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा। हाइड्रोजन मोर रिएक्टिव है कॉपर से? सर उससे ऊपर आता है हाइड्रोजन रिएक्टिव। हाइड्रोजन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर सर, रिएक्टिविटी सीरीज में उससे ऊपर आता है सर। मैं भी तो ये कह रहा हूँ हाइड्रोजन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, यू आर राइट। ओके सर, लेकिन जो दूसरा केस है सर Cu प्लस Cl2 में सर, इसमें जो हो रहा है सर जो क्लोरीन है क्योंकि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है और जो कॉपर है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो सर वो स्टेबल होने के लिए आयोनिक कंपाउंड बना रहे हैं। ओके सो व्हाई व्हाट हैपेंड व्हेन हाइड्रोजन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर? सर जो हाइड्रोजन है वो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है देन कॉपर, तो वो उसको डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा वहां से। वेरी नाइस गुड, सो कॉन्सेप्ट्स वेरी इजी हियर। If you look at this reaction is very easy. Copper want to lose electron, chlorine want to gain electron. ये lose करेगा, ये gain करेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई selection नहीं है। अब copper को hydrogen को हटाना है, suppose आप ये मकान मालिक हो, किरायेदार को हटाना चाहते हो, 20 साल से अपने कमरे में रह रहा है, तो आप ऐसे नहीं हटा सकते, उसको एक अलग से separate कमरा देना पड़ेगा, उसको सेटल करना पड़ेगा। या आप मान लो आप बैंगलोर जा रहे हो, अब बीच में एरोप्लेन खराब हो गया, एरोप्लेन कंपनी आपको बीच में छोड़ सकती है, उसको एक सेपरेट एरोप्लेन मतलब पूरे पैसेंजर्स को डिफरेंट एरोप्लेन अरेंज करा के उसे भेजना पड़ेगा, ऐसे बीच रास्ते नहीं छोड़ सकते। या तो भाई वही जोर जबरदस्ती हो जाए कि जो मेरी मर्जी होगी वो चलेगी। अब यहाँ पे कॉपर जो है ना हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है, तो कॉपर को अगर हाइड्रोजन को हटाना है तो हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, ठीक है, तो बनाएगा हाइड्राइड आयन। लेकिन हाइड्रोजन ज्यादा इजिली इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है कॉपर के मुकाबले, तो ये रिएक्शन नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये रिएक्शन ज्यादा इजिली हो सकती है। कॉपर कैन नॉट फोर्स हाइड्रोजन टू गेन इलेक्ट्रॉन, दिस इज नॉट पॉसिबल। क्या ये क्लियर है सभी को? यस सर, यस सर, यस सर। मतलब आप कहना चाह रहे हो कि जो Cu प्लस Cl2 वाला रिएक्शन है वहां पे एक Cu ही है बस इलेक्ट्रॉन देने वाला, इसीलिए वो रिएक्शन हो पा रही है? मैं बस ये कह रहा हूँ कि वहाँ रिएक्शन की फिजिबिलिटी इसलिए पॉसिबल है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहता है, दूसरा गेन करना चाहता है, तो फ्रिक्शन क्यों आएगा, कहाँ फ्रिक्शन आ रहा है, समझ रहे हो? किस चीज की रिएक्शन आपको लेट हो गया यहाँ पे, ठीक है? फ्रिक्शन नहीं बोला मैंने। नहीं नहीं अरे बेटा मैं आप फिजिक्स वाले टर्म मत लेकर ना, फ्रिक्शन मतलब ये कोई मतलब मतभेद, मैं फिजिक्स का टर्म यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं जनरल टर्म कह रहा हूँ। फ्रिक्शन मतलब मतभेद किस चीज का होगा, कॉपर इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है, क्लोरीन गेन करना चाहता है, तो फटाफट वो कर लेंगे ना, क्या दिक्कत है, समझ रहे हो? सर मतलब Cl अपने से बॉन्ड बना के स्टेबल नहीं है वहां पे। बट आप, मैं वही कह रहा हूं, आप इनके बीच रिएक्शन करवा रहे हो, ऐसा नहीं है कि क्लोरीन खुद से गया था भिड़ने उससे, समझ रहे हो? ओके सर, ओके सर, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। सर मुझे एक डाउट था, बोलो। जो आपने आयरन और क्लोरीन का रिएक्शन लिखा है तो उसमें FeCl2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा कि नहीं? यहाँ पे नहीं करेगा तो क्यों नहीं करेगा? ज्यादा स्टेबल है बेटा, यहाँ पे Fe+3 स्टेट में ज्यादा स्टेबल है। सर जो आयरन होता है वो दोनों स्टेट में एक ही टाइम पे एग्जिस्ट करता है, मतलब एक आयरन की रॉड है तो उसमें Fe2+ आयंस भी होंगे और Fe3+ आयन भी होगा। आयरन के रॉड में सिर्फ आयरन एग्जिस्ट करता है, आयरन के एटम एग्जिस्ट करते हैं, आयन आयन एग्जिस्ट नहीं करते। आयन जो है वो केमिकल रिएक्शन की उसमें मतलब इंटरमीडिएट फॉर्म में आते हैं बेटा वो। तो सर FeCl2 कभी फॉर्म नहीं होता? बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता? ओके सर, बनने वाली बात है बेटा। देखो जब FeCl2 बनता है ना वो डिकम्पोज हो जाएगा, अगर आप क्या बोलते हैं FeCl3 और FeCl2 की बात करूं तो FeCl3 जो है बना है ना वो आगे चल के डिकम्पोज होगा FeCl2 में और क्लोरीन रिलीज कर देगा, ठीक है? ओके सर, देखो इसका जो आंसर है ना बेटा, मैं आपको बेटर वे में दे सकता हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन के फॉर्म में, ठीक है, समझ पा रहे हो? सर एक बार देना, देख सकते हैं। अगर आप आयरन की बात करोगे, आयरन का इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन होता है आर्गन 18 3d6 4s2, तो किसका टर्म नंबर कितना होता है? सर ये नहीं आता सर, तो वही तो बोल रहा हूं बेटा। यस सर, अब एक बच्चा कहेगा दो,
दूसरा का नहीं आता मैं इसमें नहीं कर सकता कुछ। तो इसका मतलब अगर आप देखोगे ना तो 3D5 ज्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू 3D6, इसलिए Fe3+ ज्यादा स्टेबल हो रहा है, ठीक है, क्योंकि Fe3+ में 3D5 4S0 आएगा और Fe2+ में 3D6 0 आएगा और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल। ओके सर, समझ में आ गया फाइनली। तो जिन बच्चों को नहीं आया है नो इश्यूज, ये स्पेसिफिकली इस एक बच्चे के लिए मैंने लिखा है क्योंकि बाकी बच्चों को भी नहीं सोचना इसके बारे में, ठीक है। पहले तो मैं बेस आपका स्ट्रॉन्ग करूँ, ये जो बेसिक चीजें हैं वो कवर करा दूँ, फिर तो बाकी चीज देखेंगे, ठीक है। स्क्रीन शॉट ले लिया आप लोगों ने इसका, चलिए आगे बढ़ते हैं। यस सर, लिख लिया। चलिए मैं आप लोगों को एनसीईआरटी वाले ही रिएक्टिविटी सीरीज कराने वाला हूँ, ठीक है। तो अभी तक जो आपने किया ना वो कंक्लूजन नहीं था, अभी तक जो आपने रिएक्शंस ऑफ मेटल विद एनवायरनमेंट पढ़े हैं वो सारे ऑब्जर्वेशंस थे। उन ऑब्जर्वेशंस को ऑब्जर्व करके साइंटिस्ट ने क्या कहा, साइंटिस्ट ने कहा कि हम एलिमेंट्स को उन ऑब्जर्वेशंस के आधार पर अरेंज करें, वी कैन इजिली ले देम डाउन इन अ वर्टिकल कॉलम वेयर एलिमेंट एट द टॉप इज मोस्ट अट्रैक्टिव, एलिमेंट एट द बॉटम इज लीस्ट अट्रैक्टिव, एंड दैट सीरीज विल बी कॉल्ड रिएक्टिविटी सीरीज या फिर एक्टिविटी सीरीज, ठीक है, समझ पा रहे हो। सो उन्होंने कहा द अरेंजमेंट ऑफ मेटल इन अ वर्टिकल कॉलम इन द ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी इज कॉल्ड रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन वर्टिकल कॉलम इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी called reactivity series. Sorry sir, reactivity same ही होते हैं? दोनों same है बेटा, reactivity series दोनों नाम same है। तो जब हम elements को उसके decreasing reactivity order के आधार पे एक vertical column arrange करते हैं तो जो उसी को हम बोलते हैं reactivity series। ये कैसे arrange हुआ है? reactivity के आधार पे। और reactivity क्या होती है हमें वो समझना पड़ेगा। देखो मेटल्स में जो रिएक्टिविटी होती है वो तय होती है किससे? उसके इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर की वजह से। ऑल मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी होती है। ठीक है, सो ऑल मेटल्स हैव अ टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, एंड जितना इजिली वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा उतना ही ज्यादा वो क्या है, रिएक्टिव है। जितना आपने चैप्टर 1 में भी पढ़ाया था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, प्रॉब्लम के साथ वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उतना कम वो रिएक्टिव है। तो सीरीज ये कहता है कि पोटेशियम मोस्ट रिएक्टिव है और गोल्ड लीस्ट रिएक्टिव है। वैसे इसके नीचे कौन सा आता है? प्लैटिनम आता है। प्लैटिनम गोल्ड से भी कम रिएक्टिव होता है। सो एक्चुअल में प्लैटिनम इज द लीस्ट रिएक्टिव। और अगर आप इस पे टॉप पे जाओ तो सबसे ऊपर आता है सीजियम। जब 11th में आओगे तो आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स होते हैं बेटा, उसके आधार पे आपको क्लासिफिकेशन सिखाई जाएगी। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप पढ़ोगे इसके बारे में, तो वहां पे बहुत लंबा थोड़ा टेबल होता है और प्रैक्टिस के साथ आपको याद भी हो जाएगा। सर वही वाला होता है जो मॉड्यूल में लिखा हुआ है हमारे इस वाले के। हाँ वही yes, सर मॉड्यूल में भी है, मॉड्यूल में है तो वही है फिर, ठीक है। तो अगर आप इस ऑर्डर को देखोगे तो पोटेशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, देन सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या है? एक नॉन मेटल है, तब भी देखो यहाँ प्रेजेंट है रिएक्टिव सीरीज ऑफ मेटल में। फिर कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। तो एल्युमिनियम कम रिएक्टिव है मैग्नीशियम से, मैग्नीशियम कम रिएक्टिव है कैल्शियम से, पोटेशियम ज्यादा रिएक्टिव है सोडियम से, इस तरह समझना इसको। हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है फिर भी है यहाँ पे, ऐसा क्यों? व्हाई?
अब यह प्रोसेस इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा है। शांत हो जा, मैं पूछूंगा। इट इज एन एक्सेप्शन। इसका कैमरा ऑफ है सर, एक्सेप्शन है। वो पुनिया बता बेटा, दक्ष पुनिया बता बेटा इसका आंसर। हाइड्रोजन तक नॉन मेटल है, फिर क्यों रखा मैंने यहाँ पे इसको? सर क्योंकि इसकी भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी होती है। अच्छा, वेरी नाइस। प्रायोरिटी टेबल में इसको कहाँ रखते हैं? प्रायोरिटी टेबल में सर इसे मेटल्स वाली साइड के ऊपर रखते हैं, बट ये है नॉन मेटल। अच्छा, आर यू श्योर? यस सर श्योर। वेरी गुड। वैसे बता दूं मैं, हम हाइड्रोजन को टॉप पर रखते हैं, ना मेटल के साथ रखते हैं ना नॉन मेटल के साथ रखते हैं, उसको आज हम टॉप पर रखते हैं। ये कॉन्ट्रडिक्शन ही खत्म कर दिया हमने। फिर एटॉमिक नंबर के आधार पर देखेंगे तो ऑब्वियसली बात है वो छुप आएगा, लेकिन जान दीजिएगा अल्कली मेटल्स, अल्कली मेटल्स की कहानी स्टार्ट होती है लीडियम से, ठीक है, ना कि हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन फर्स्ट ग्रुप का पार्ट नंबर वाइज तो है, लेकिन अगर आप उसके प्रॉपर्टी वाइज देखोगे तो अल्कली मेटल ग्रुप में लीडियम से स्टार्ट होता है। कहीं आप हाइड्रोजन भी मांग के बैठे हो, ऐसा नहीं होता, ठीक है? Excuse me, sir. Yes. सर फ्रांसियम जो होता है सर, वो सर सेसियम से भी नीचे आता है सर पीरियोडिक टेबल में सर, लेकिन वो फिर भी सर इसे सेसियम। मैं बताऊं इसका रीजन। कौन बोला ये? कौन बताएगा? सर मैं बताऊंगा। वैभव विश्वास से पहले उत्कर्ष बोला ये? यस सर। बता बेटा बता। सर इसमें ऐसा होता है कि फ्रांसियम में जो इलेक्ट्रॉन सेल्स में जो मूव करते हैं बहुत फास्टली मूव करते हैं, तो जो न्यूक्लियस अट्रैक्ट जो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की क्षमता उसकी डिक्रीज हो जाती है, और फिर सर उसकी टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन भी डिक्रीज हो जाती है। देखो पहली चीज तो फ्रांसियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट है सर, मैं यही बोल रहा था। इट इज जस्ट लाइक कंपेयरिंग खली विद राजपाल यादव, ठीक है? खली और राजपाल यादव के साथ कंपैरिजन नहीं हो सकता। एक मूवी भी है इनके बीच की, तो आपने देखी भी होगा ये मूवी, तो इनके बीच में अगर आप फाइट कराओगे तो आपको पता है कौन जीतेगा। तो इट इज जस्ट लाइक दैट, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट का कंपैरिजन रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं करना चाहिए। आप जो पढ़ते हो ना रिएक्टिविटी, ये जो पढ़ रहे हो सारा कुछ, ये सारे नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स पढ़ रहे हो, ठीक है? तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के पास तो अभी हम गए नहीं है, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, इसमें जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी, वैसे तो टेक्निकली ये होना चाहिए कि फ्रांसियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए और सबसे ज्यादा उसकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी होनी चाहिए, लेकिन होता क्या है यहाँ पे कि फ्रांसियम का साइज बहुत बड़ा होता है, ठीक है? बहुत बड़ा होने के कारण उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो स्पीड ऑफ लाइट के अकॉर्डिंग घूमते हैं, ऐसा थियरी है, ऐसा अजम्पशन बनाया हुआ है। ऐसा नहीं किसी ने स्पीड नाप ली है उसके, ठीक है, स्पीडोमीटर लगा करके इलेक्ट्रॉन के ऊपर, ये देखो कितना तेज घूम रहा है, ये ऐसा कुछ नहीं है, ये सारे अजम्पशंस होते हैं। तो ऐसा पढ़ा था मैंने भी एक टाइम पे इसके बारे में पढ़ा था, जो मैंने यही पढ़ा था कि जो सीजियम है उसकी उसके इलेक्ट्रॉन इतने रैपिडली घूमते हैं कि उसका न्यूक्लियस इनसिक्योर हो जाता है। तो वही हो गया ना कि आपके पैसा जब बहुत ज्यादा खर्चना स्टार्ट हो गया आपका, ठीक है, तो आपको समझ नहीं रही क्या हो रहा है भाई, पैसा कमा मैं 1,00,000 रुपए रहा हूँ और खर्चा मेरा 2,00,000 रुपए हो रहा है, तब क्या करोगे? पैसा बचाना स्टार्ट कर दोगे, है ना? फिर आप सोच समझ के खर्च करोगे, पैसा छुपा कर रखोगे अपना कि कोई आपके पर्स से निकाल ना दे पैसा, या आप पूरी कोशिश करोगे पैसे को बचाने की, है ना? अब ये कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा आपको कि इलेक्ट्रॉन जो रैपिडली घूम रहे हैं न्यूक्लियस उसके कारण इनसिक्योर हो गया है, कि ऐसा ना हो कि एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के चक्कर में सारे इलेक्ट्रॉन निकल जाए मेरे, ठीक है? इस वजह से न्यूक्लियस अट्रैक्ट करता है इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर, और साइज जो है उसके अंदर थोड़ा चेंजेस आते हैं और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी डिक्रीज होती है एज कम्पेयर टू सीजियम। सर बोलो। सर मेटल्स को इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने में दिक्कत क्या आती है? बेटा तू एक बात समझ, तेरे पास तेरे जेब में इतना पैसा है कि तू जेब से हाथ डालते कितना निकलेगा उसका कुछ अंदाजा ही नहीं है, ठीक है? 2,000 के नोट पड़े तेरे जेब में, समझ रहा बेटा? कौन है ये, कौन है, किसने पूछा ये क्वेश्चन? सर प्रणवंत सर। उसने हरिवंश है?
अच्छा तो प्रणय बेटा इमेजिन कर तेरे जेब में 2000 के बहुत सारे गड्डियां गड्डियां नोट पड़े हैं, खुले हैं वो, ठीक है, बंड वो पिंड अप नहीं है, और एक भिखारी आ गया वो तुझसे भीख मांग रहा है, और उन नोटों के बीच में 2 का सिक्का है, 1 का सिक्का तो वो निकालना चाहता है, और तेरे को खौफ भी है कि 1 रुपए निकालने के चक्कर में ऐसा ना हो कि सारे नोट बाहर निकल जाएं, अब तू उस भिखारी को भीख देगा? नहीं, बात खत्म हो गई, आगे बढ़ते हैं। देखो पैसों की भाषा बहुत सी भाषा होती है, देखो बच्चे कंसेप्ट लिस्ट तक क्लियर कर देता है ये। आई होप आपको रिएक्टिविटी सीरीज समझ में आई है, किसी को डाउट है इसमें? नो सर। इसमें एक टॉपिक और है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो उसको हम रिएक्शन ऑफ मेटल विद सॉल्व सॉल्यूशन की तरह पढ़ते हैं, और वो मैंने आपको बहुत अच्छे से कराया हुआ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के फॉर्म में। तो कल को अगर रिएक्शन ऑफ मेटल विद सॉल्व सॉल्यूशन आ जाए तो घबरा मत जाना कि सर ने तो पढ़ाया ही नहीं है, सर ने इनकम्प्लीट रखा हुआ सिलेबस, ठीक है। तो एक और टॉपिक इसमें बन जाता है रिएक्शन ऑफ मेटल विद सॉल्ट सॉल्यूशन। यहाँ पे आप देखोगे कि कॉपर सल्फेट के रिएक्शन कराओगे जिंक से तो बनेगा जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। यहाँ देख सकते हो आप कि कॉपर सल्फेट में से कॉपर डिस्प्लेस कर रहा है जिंक, क्योंकि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, बना रहा है जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। सारे रिएक्शन जो मैंने मेटल मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कराई थी ना, उसी की बात कर रहा हूँ आसान भाषा में। याद है आप लोग, कराऊं दोबारा? रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स इन फैक्ट। अगेन इसमें जो हम पढ़ेंगे, हमें पहले तो ये पता होना चाहिए कि जो आपके नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, आर इलेक्ट्रोनेगेटिव। इसका मतलब ये होता है कि नॉन मेटल्स की इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी होती है। नॉन मेटल्स हैव इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी। नाउ we'll talk about all the reaction one by one. Let us first talk with reaction of non-metal with oxygen. अच्छा एक टॉपिक छोड़ गया बेटा, छोटा सा टॉपिक है, मैं इसी में कवर अप करा दूंगा। नहीं मैं बताया है आपको, बताया है नॉन मेटल जो है जब वो ऑक्साइड से या ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो नॉन मेटल ऑक्साइड बनाता है। जैसे मेटल ऑक्साइड्स बनते हैं, मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं, बेसिक या फिर एम्फोटेरिक, है ना। वैसे जो आपका नॉन मेटल ऑक्साइड होता है या तो ये एसिडिक नेचर का होगा या फिर ये क्या होगा, न्यूट्रल होगा। न्यूट्रल, ठीक है। तो बात कर लेते हैं रिएक्शंस की। कार्बन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन गिव्स यू CO2 एंड दिस CO2 एसिडिक ऑक्साइड। न्यूट्रल कैसे होगा, एसिडिक होना है? कहाँ लिखा मैंने न्यूट्रल? सर जैसे कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड तो एसिडिक होता है ना जनरली, तो न्यूट्रल कैसे होगा? करके दिखा दिया तो CO इज अ न्यूट्रल ऑक्साइड। पानी पीते हो बेटा? पानी पीते हो? पानी पीते हो? पानी इज H2O नॉन मेटल ऑक्साइड, क्या है, न्यूट्रल है। H2 हाइड्रोजन को सर हम नॉन मेटल क्यों मानते हैं, ये बता सकते हैं आप? बेटा कुछ प्रॉपर्टीज उसकी मेटल से मैच खाती है, लेकिन मेजर प्रॉपर्टीज उसकी नॉन मेटल से ही मैच खाती है। ओके सर, ठीक है। जिस तरह से मान लो
तुम एक बार क्लास में टॉप कर दे गलती से, है ना, सामान देना है, और बाकी टाइम आप क्या बोलते हैं 30-40% में ही अटके रहे, तो आप टॉपर थोड़ा ना हो जाओगे। आई अंडरस्टैंड, बुरा लगेगा सुन के, पर नहीं सर, तो ये भी तो, ये तो भी, ये भी तो एक एग्जांपल हो सकता है, हर बार टॉपर थोड़ा बनाऊंगा सबको, ठीक है। सल्फर की रिएक्शन कराओगे ऑक्सीजन से तो बनता है सल्फर डाइऑक्साइड, ये क्या होता है एसिडिक। देखो दो तरह के टीचर्स होते हैं बेटा, मैं आपको बताता हूँ, टीचर्स की बात करूँ ना, दो तरह के टीचर होते हैं, एक जो आपको बहुत अप्रिशिएट करेंगे, अरे वाओ बेटा यू आर एक्सलेंट यू आर दिस एंड दैट, और एक होता है जो आपको हमेशा क्रिटिसाइज करेंगे, और क्रिटिसाइज एक पॉजिटिव क्रिटिसिज्म देंगे आपको, ठीक है, आपकी जो पॉजिटिव्स हैं वो बताएंगे आपको, ठीक है, या कभी आपको ओवर कॉन्फिडेंट फील नहीं होने देंगे कि यार तू तो बहुत, देखो तो बहुत आता है बेटा, तू सर्वशक्तिमान है, बाहुबली है तू, ठीक है। ये वाले टीचर ज्यादा अच्छे होते हैं एज कम्पेयर टू दिस, क्योंकि ये जो टीचर है ना बेटा, आपको कभी भी आपको आपकी कमी नहीं बताएंगे, और ऐसा इंसान है तो ये भी इंसान ही, इज ऑल्सो ह्यूमन जस्ट डूइंग अ जॉब, अगर इफ दिस ह्यूमन इज नॉट टेलिंग यू योर पॉजिटिव्स देन यू हैव 0% चांस ऑफ इम्प्रूविंग। ये टीचर्स आपको, ये टीचर आपको पसंद कभी नहीं आएगा, क्योंकि आपको कमी बता रहा है आपकी, ठीक है, आपको लगेगा क्या खड़ूस मास्टर है, पर जीवन सुधारने का काम कौन कर रहा है, यही कर रहा है, ठीक है। तो आप कभी ऐसा फील मत करना, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि आप हर बार 40-50 पे आ रहे हो, एक बार टॉप कर गए तो आप टॉपर नहीं बन जाओगे, शायद आप में से किसी बच्चे से ऐसा हुआ होगा और उसको बुरा लगा होगा, देखो सर हमें, सर तो मुझे एक बार भी टॉपर मान ही नहीं रहे हैं, ऐसा ही होता बेटा। मान लो कोई क्रिकेटर है, एक मैच में उसने 100 रन बनाए से उसका करियर नहीं चमकेगा, वो हर मैच में मारेगा ना तो उसका करियर बनेगा, ठीक है। सचिन के बारे में अगर बात करें, सचिन के बहुत अच्छे रिकॉर्ड्स हैं इसलिए सचिन का नाम है, अगर सचिन क्या बोलते हैं उसके 2-3 शतक होते, मान लो अच्छे अच्छे मैच में 2-3 शतक होते सिर्फ, तो उसका कोई नाम नहीं होता। तो ये जो कंसिस्टेंसी है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ही तय होता है कि आप अच्छे हो या खराब हो। हाँ बोलो सर, ये रिएक्शन 2-2 बार क्यों है, एक में एसिडिक है। अरे बात कर रहे हैं बेटा, एक सेकंड रुक जा, लेट मी टेल यू दिस थिंग, तो सिंस वी आर लर्निंग ऑनलाइन, तो डोंट फील दिस, जिन बच्चों को तो मैंने पर्सनली पढ़ाया है तो उनके में टेंशन नहीं लेता, वो जानते हैं मुझे कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सन आई एम। जो बच्चे मुझे फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, लेट मी टेल यू, मैं जो बी टाइप टीचर हूँ क्रिटिसाइज करने वाला, आपको आपकी कमियां मैं लगातार बताता रहूंगा, बट दैट इज ओनली फॉर दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम, उस समय बता दिया मैं, उसके बाद मैं भूल जाता हूँ। बच्चे को उसकी कमी बताओ, भूल जाओ, बाकी बच्चे को सोचना है उसको कैसे लेना है उसको। मेरे पढ़ाए हुए बच्चे ऐसे भी हैं जो जमीन छोड़ो, शायद पाताल लोक से निकल के आगे बेटे जन्नत में गए हैं पढ़ने के लेवल, इस लेवल पे पहुंचे हैं, गुड़गांव के एमएनसीज में काम कर रहे हैं, कहां वो रेडियो फल बेचते थे, ठीक है। तो और ऐसे बच्चे भी हैं जो मतलब अच्छे खासे, जैसे मर्डरी के फ्रेंचाइजी के बेटे, तो उनके बच्चे भी थे, आज मैंने देखा वो बच्चे बर्बाद हैं ऐसे। तो ये बच्चे के ऊपर है, वो ले कैसे रहा है मेरी बात को, ठीक है। मैंने बहुत से बेकार बच्चों को भी बनते हुए देखा है, अच्छे बच्चों को भी बनते हुए देखा है, अच्छे बंदों को भी बिगड़ते हुए देखा है। इट डिपेंड्स हाउ यू आर टेकिंग माई स्टेटमेंट्स, बट ट्रस्ट मी, इफ यू फॉलो माई स्टेटमेंट्स, इफ यू फॉलो माई व्यूज, इट विल टेक यू टू अ बेटर प्लेस, आई कैन अश्योर यू दैट थिंग। क्योंकि मैं जो आपको बता रहा हूँ, दैट इज अ न्यूट्रल स्टेटमेंट, दैट इज नॉट बायस्ड, इट इज नॉट पॉलिटिकली रिलीजियसली लॉजिकली बायस्ड, इट इज कम्प्लीटली न्यूट्रल स्टेटमेंट गिवन टू यू, ठीक है। यू हैव टू टेक इट पॉजिटिवली, बाकी आपकी इच्छा है। आगे बात करते हैं, सो एवरी नॉर्मेटल ऑक्साइड whenever formed either it will be acidic or it is neutral. अब पूछो क्या बोल रहे हो, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है वो न्यूट्रल है? नहीं बेटा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज एसिडिक इन नेचर, तो इस पे तो जोक्स ही बनते हैं कि गिव मी H2O, तो दूसरे बोला गिव मी H2O2, तो जो H2O2 है वो एसिडिक है, दैट इन इवन किल यू और एनीवन, इट कैन किल एनीवन, but H2O is neutral. Sir? Yes. Sir, color अलग अलग होते हैं दोनों के, एक जैसा होता है? Basic बन जाए. Colorless ही होता है. H2O को sir cracker से इस्तेमाल होता है.
अरे बेटा छोड़ दो, कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, पहले तो यहाँ देख, ये देखते हो समझ में आया नॉन मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन से? यस सर। सर फिर हम H2O2 को हम अगर वो सर एसिडिक के सर बाद है बेटा, बाद है ठीक है, एक्सेप्शंस हो सकते हैं कि मतलब बेस फॉर्म हो जाए। नहीं बेटा ऐसा कैसे हो जाएगा, ठीक है ये उम्मीद कर रहा रावण अच्छा काम कर ले, कैसे कर लेगा वो, उसका उसका काम ही हुआ है बदमाशी करने का, ठीक है। तो नेक्स्ट इज रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान सुनना, विद वाटर, बहुत इंपॉर्टेंट है, नो रिएक्शन। नॉन मेटल पानी से रिएक्ट नहीं करता, याद रहेगा सभी को? यस सर, यस सर, यस यस। ऑक्साइड का जाते हैं, नॉन मेटलिक ऑक्साइड। वाटर में ऑक्साइड देखना पड़ेगा। व्हाई डू वी कीप फास्फोरस इन वाटर? रुको कौन बताएगा, कौन बताएगा, रुको रुको रुको, नितिन कुमार बताएगा, बता बेटा नितिन, नितिन बेटा लगता है सो गया, देखो पकड़ में आया ना ये, ऐसे बच्चों की तलाश में हूं मैं। नितिन बेटा, नितिन जागो बेटा। सर मैं बताऊं? नहीं बेटा नितिन बताएगा। नितिन, नितिन कैन यू हियर मी? गहरी नींद में। अब आई होप बाकी बच्चों को समझ में आया होगा कि मैंने क्यों किया, कैमरा ऑन क्यों कराया आप लोगों का। नितिन, नितिन क्या नहीं है, बताओ आंसर इसका। चैट में कुछ आया, मैं मैसेज आ रहा हूं सर, उसका शायद माइक में सर जाग गया। आंसर बताओ बेटा इसका, इतने चिल्लाने के बाद तू सुनता मेरे को है? नितिन कुमार कैन यू हियर मी, इज इट इज ही ऑफलाइन नाउ? No, he is there. Nitin beta, answer batao. Achha, very nice answer. I don't know. Aage badho sir, kisi aur se puchho. Sir, abhi hota hai. Aapke parents se baat karunga main. Camera off kyun hai? Kashish Badola, answer batao beta. Aur camera on karo. Kashish Badola. Kashish. कशिश, तो जितने बजे सोच रहे हैं हम बहुत कूल हैं, ऐसा करके हम बहुत कूल वाला काम कर रहे हैं, कैमरा ऑफ करके फोन साइड करके, नुकसान आपका है। एक पॉइंट आएगा जब यू विल फिट सेट इन एग्जाम, ऐसा भी हो सकता है कि सारी चीजें आपको एग्जाम में हेल्प कर दे जो हम पढ़ रहे हैं, और इनका नुकसान होने वाला है, तो दिस इज नॉट अ कूल एक्टिविटी। यस, मैंने एक सेकेंड भी बंद नहीं करा। स्वप्निल बिंद, आपका भी कैमरा ऑफ है, माइक भी ऑफ है, प्रेजेंट हो बेटा? अकाडमिक यमुना विहार, मधु मैम आप हो यहाँ पे अवेलेबल? मधु मैम, मधु मैम, मधु मैम भी नहीं है सर, लेफ्ट कर दी उसने मीटिंग स्वप्निल ने। आई कैन सी। कशिश बडोला, शी इज नॉट आंसरिंग। नितिन कुमार को आता नहीं है, नितिन कुमार इंटरेस्टेड नहीं आंसर करने में। चलो ठीक है, आदित्य सिन्हा लेफ्ट करे जा रहे बच्चे। यस सर, कई बच्चों ने लेफ्ट कर दिया। नो शूज सर, बस 66 बच्चे। आदित्य सिन्हा कमाल है, मतलब बेटा ये लर्निंग लेवल आपको शो करता है। आगे बढ़ते हैं। व्हाई डू वी कीप फास्फोरस इन वाटर? सिंपली phosphorus is not sir, because it is highly reactive. But phosphorus is highly reactive, it can react with oxygen and form P2O5 and it will catch fire like sodium potassium, okay? So itni energy milti hai ki water ke sath kya reaction hoti hai? Sir bol to raha hu, no reaction. Exam mein question aayega, why do we keep sodium potassium in kerosene but phosphorus in water? ये 3 नंबर का बड़ा प्यार सवाल बन सकता है, आज तक तो नहीं बना है पर ये बन सकता है, ठीक है।
मुझे एक डाउट कैसा है तो एक बच्चे ने मुझे पूछा कि सर इसको मैं केरोसिन में डाल देता हूँ क्या दिक्कत है इसको कैसे देखो तुम समझो इस बात को बेटा देखो हमें नॉन रिएक्टिव एनवायरनमेंट चाहिए ठीक है हो सकता है फास्फोरस केरोसिन से भी रिएक्ट ना करे पर तुझसे एक बात पूछ रहा हूँ कि मान लो तुम्हें एक बाइक खरीदनी है ठीक है और आप एक एवरेज ह्यूमन हो मतलब मिडिल क्लास फैमिली जैसे हम बिलोंग करते हैं हम सभी तो तुम कौन सी गाड़ी खरीदोगे BMW खरीदोगे 40 लाख की बाइक आती है वो खरीदोगे आप बजाज स्प्लेंडर या पल्सर या बुलेट खरीदोगे हदमार का बुलेट बजाज सर बजट के हिसाब से खरीदेंगे बजट वाले अकॉर्डिंग टू आवर बजट है बेटा जो और बजट से बजट भी अमीरों की गाड़ी खरीदेंगे तो सिंपल सी बात है जब नॉर्मल नॉर्मल बाइक से काम चल रहा है तो हार्ले डेविडसन के चक्कर क्यों पालना जब पानी से काम चल रहा है तो मैं केरोसिन में क्यों खर्चा करूं केरोसिन महंगा जा रहा है महंगा आता है ना उसमें हां बोलो इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं है मतलब यही बात है हां इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं कहूंगा मैं इसको ऑडिबल हाय योर ऑडिबल टेल मी अबाउट सर सर हम इसे वाटर में रख रहे हैं सर पर वाटर में भी तो डिसॉल्व गैसेस होती है उसमें से सर ऑक्सीजन भी एक होगी पानी सिर्फ पानी मैंने एनवायरनमेंट वाला पानी नहीं बोला मैंने सिर्फ पानी बोला है पानी मतलब पानी है उसमें कोई डिसॉल्व गैसेस नहीं किसी ने बताया देखो आपको बात पता है कि ये H2 है इसकी रिएक्शन मान लो आप करा दो सल्फर से तो मान लो कुछ बनेगा सल्फर हाइड्रोक्साइड ऐसा कुछ बनना चाहिए SHOH ऐसा कुछ बन जाए है ना पर क्या ये फिजिबल है बनना नहीं क्यों नहीं हो जाता हूँ देखो सल्फर क्या है सल्फर चाहता है हाइड्रोजन को हटाना और हाइड्रोजन बोला कि डोंट यू डेयर टू रिमूव मी फ्रॉम OH ठीक है एंड इफ यू वांट मी टू लीव OH यू हैव टू गिव मी इलेक्ट्रॉन एंड यू हैव टू बी मोर कैपेबल देन मी टू गिव इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ज्यादा इजी इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है सल्फर को भी ये करके दिखाना पड़ेगा और सल्फर की तो कुछ और टेंडेंसी है सल्फर इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी रखता है समझ रहे हो अब ऐसा हो सकता है क्या कि आप किसी को उसके कमरे से भी निकाल दो और उसके जेब में जितना पैसा वो भी छीन लो ऐसा पॉसिबल है नो सर पॉसिबल तो है नो सर पॉसिबल तो है ये no, लेकिन वो लीगली नहीं होगा लीगल नहीं होगा वो है ना तो हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हर चीज लॉ के अकॉर्डिंग होनी चाहिए और वो लॉ के अकॉर्डिंग गलत है तो सल्फर हाइड्रोजन को अगर हटाना चाहता है तो हाइड्रोजन बाहर आएगा H+ के फॉर्म में तो ये अनस्टेबल होगा H+ बोलेगा कि भाई साहब आपने मुझे OH से अलग तो कर दिया लेकिन अब मुझे तो स्टेबल कीजिए मुझे एक इलेक्ट्रॉन तो दीजिए मैं स्टेबल हो जाऊं और मैं दूसरे एटम के साथ कम से कम कंबाइन करके H2 गैस बना लूं तो सल्फर क्या बोल रहा है कि तू OH को भी छोड़ दे और इलेक्ट्रॉन भी नहीं दूंगा तो क्या ये पॉसिबल हो पाएगा रिएक्शन नो सर नहीं होगा ना सर P2O5 का वर्ड में क्या मतलब कैसे कहेंगे उसे P2O5 को फास्फोरस पेंटाऑक्साइड ओके सर यस और सर इसमें फास्फोरस की शेप क्या होगी क्या सर P5 के फॉर्म में H2O में एयर में बच्चा बोल रहा है रिवर्स कर दो नहीं रेडियो लग रहा है रेडियो बज रहा है एक बार में एक बच्चा बोलो और P2O5 वाला बच्चा बोलेगा क्या बोल रहा है बेटा सर P2O5 में मैं पूछ रहा हूं कि जो फास्फोरस है वो 5+ की स्टेट में एग्जिस्ट करता है गुड क्वेश्चन हाँ बेटा +5 में एग्जिस्ट करेगा ओके सर सर अगला पूछ रहा था S8 होना चाहिए सर ऐसा नहीं हो सकता कि सर H2O में SO को रिप्लेस कर दे H कौन रिप्लेस कर दे सर S जो सल्फर है वो ऑक्सीजन को रिप्लेस कर दे ऐसा नहीं होता बेटा ऐसा नहीं होता विलन कभी विलन को नहीं मारता ऐसा होता कभी कि विलन ने विलन से झगड़ा कर लिया हो और हीरो को छोड़ दिया नो सर फिर सर ये मुझे लास्ट वाला समझ में नहीं आया वो दोबारा समझ फिर तो वो हीरो बन जाएगा क्या बेटा क्या समझ नहीं आया तेरे को सर अभी उदय वाले ने क्वेश्चन पूछा
सर वो वाला एक बार फिर से समझा दीजिए, H2S वाला, कि H2S क्यों नहीं बन जाएगा ऑक्सीजन को रिप्लेस करके। बेटा सिंपल सी बात है, ये क्या है, एक एटम है, नॉन मेटल है, एक नॉन मेटल दूसरे नॉन मेटल को डिस्प्लेस करने से पहले वो ये चाहेगा कि ज्यादा इजिली जो बॉन्ड है, ज्यादा इजिली जो बॉन्ड ब्रेक किया जा सकता है उसको हटाओ, समझते हो। मान लो चेस में सबसे ज्यादा इजी गोटियां होती पहले वो कटती है ना, पहले ही राजा को आप काट देते हो, ऐसा होता है कभी? सर अगर सामने वाला खिलाड़ी अनाड़ी हो तो फिर हो सकता है। नहीं सर ऐसा नहीं होता सर, मैंने ऐसा किया है। नहीं सर पहले नहीं, सर, वो बैठे हैं विश्वनाथ आनंद बैठे हुए, ऐसा मान लो कि तुम्हारे सामने विश्वनाथ आनंद बैठे हुए, अब तो बेटर फील कर रहे हो सर, अब वो हमारे साथ नहीं कर देगा विश्वनाथ आनंद बैठा हुआ है, तो अब क्या एकदम स्टार्टिंग में ही आप उसका राजा काट लोगे? सर वो हमारा काट लेगा स्टार्टिंग में राजा। अरे बेटा देखो फालतू बहस मत करो, हमारा काट लेगा, बस कहानी को समझो, कहानी के सार को समझो। मैं इसका एग्जाम्पल इसलिए लेकर आ रहा हूँ ताकि आप कंटेंटेड फील करो, लॉजिक समझ पाओ, ठीक है? क्योंकि ज्यादा मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की डीप नॉलेज जाके आपको डेटा नहीं दे सकता इसका मैं, और मैं गलत पढ़ाऊंगा नहीं कि बेटा एक्सेप्शन है ये है वो है, तो आपको बस थोड़ा सा मैं कहानी के फॉर्म में समझा रहा हूँ कि सल्फर ऑक्सीजन को नहीं हटाएगा, ठीक है? सल्फर देखेगा ये तो H2O मॉलिक्यूल है, ज्यादा करना है तो हाइड्रोजन जब रिमूव होगा तो वो क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन को रिमूव करने की कोशिश करेगा और खुद जाके कंबाइन करने की कोशिश करेगा इसके साथ, ठीक है? अगर कह रहे हो कहोगे सर ऑक्सीजन को हटा देगा, मतलब तुम पता क्या कह रहे हो सर, ये भी बॉन्ड तोड़ेगा, ये भी तोड़ेगा और इसका कंबाइन हो जाएगा, एक हाइड्रोजन तो उससे हट नहीं रहा है, और तुम कह रहे हो दो हाइड्रोजन हटा देगा सर एक साथ, वो समझ पा रहे हो मेरी बात? एक ऑक्सीजन को हटाने के लिए दो हाइड्रोजन जो बॉन्डिंग है वो तोड़नी पड़ेगी ना। और बीच वाला लीडर है, मतलब उसके बिना कोई प्लान ही नहीं बनता, तो ऐसा हो सकता है, मान लो तुम वो लीडर हो तो ऐसा हो सकता है जो तुम्हारा ए फ्रेंड है उसको वो कहीं उसको मैं मना करके घूमने जा सकता हूँ, या जो सी फ्रेंड है उसको लेके मैं घूमने निकल जाऊंगा, लेकिन आपको मैं मना नहीं पाऊंगा क्योंकि मुझे पता है ए और सी जो है वो ऑब्जेक्शन डालने वाले हैं कि सर ये तो गलत बात है, आप तो आप लीडर को हटा रहे हो, तो घूमने नहीं जाएंगे बेटा, हम पढ़ने बैठेंगे, हम क्लास दूंगा मैं आपको, ये बेटर रहेगा एग्जाम्पल, है ना? तो आप खुद ही नहीं आओगे, बोलोगे सर मेरी तबीयत खराब है। देखो बेटा ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन है, बॉन्ड ब्रेकिंग है, ये सारे एनर्जी फैक्टर्स को डिपेंड करते हैं, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि इसको हटाओ, ये ओ वाला थोड़ा अच्छा लग रहा है, यहाँ पे ओ वाला हटा दो, अच्छा इसको यहाँ पे हाइड्रोजन को हटा दो, ऐसा नहीं हो सकता। हमारे मन से रिएक्शन नहीं होगी, रिएक्शन वो होगा जो फिजिबल होगा, और यहाँ तो कुछ भी फिजिबल नहीं है, मैं तो ये कह रहा हूँ। हाइड्रोजन को भी हटाना फिजिबल नहीं हो रहा है, ऑक्सीजन को हटाना फिजिबल नहीं हो रहा है। हाइड्रोजन को हटाने के पीछे रीजन मैंने बता दिया, उसको हटाना है तो इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, और ऑक्सीजन को हटाना है तो दो हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे, फिर से इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा दोनों हाइड्रोजन को, पॉसिबल नहीं है, समझ पा रहे हो? यस सर तोड़ना है, इसको हटाना है तो दोनों इलेक्ट्रॉन दीजिए, इसको भी दीजिए, इसको भी दीजिए, कहां से लाएगा बेचारा? सल्फर तो खुद चक्कर में है कि इन दोनों इलेक्ट्रॉन छीन लो, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, इससे ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता इस टॉपिक का, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। डन सर, लिख लिया सर। चलिए अब हम बात करते हैं रिएक्शन विद एसिड्स का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन डाइल्यूट एसिड ले सकते हैं, तो नो रिएक्शन, बताओ क्यों रिएक्शन नहीं हो रही है? इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन की है कहानी,
इलेक्ट्रॉन दो और हाइड्रोजन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, पर पॉसिबल नहीं है। सल्फर मान लो रिएक्ट कर रहा है डाइल्यूट एसिड से, सल्फर HCl से, तो उसको हटाना पड़ेगा, वो पॉसिबल नहीं है, इसकी हिम्मत ही नहीं है करने की। ठीक है, अब बात करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड एसिड की, तो वंस अगेन यहाँ पे वही कंसेप्ट लग जाएगा। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के केस में ये बन जाएगा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब रिएक्शन कराओगे, मान लो कॉन्क H2SO4 की रिएक्शन करा रहे हो उससे, तो क्या मिलेगा, SO2 मिलेगा और H2 मिलेगा। आप देख सकते हैं यहाँ जीरो ऑक्सीजन स्टेट है और यहाँ प्लस फोर है, यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन किसने कराया है, इसने कराया है, तो ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना। Am I right? Yes, sir. हाँ, मुझे पता है, I'm right. सर कोई एसिड रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर सकता है? हाँ, एग्जांपल अब कहाँ करेगा तुम बताओगे मेरे को सर। रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड वाला मेरे को आया नहीं सर। अरे सिंपल सी बात है, वही तो मैंने बताया बेटा, सल्फर है, उसकी रिएक्शन तो HCl से करा रहा है, सल्फर को हटाना, अगर हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, हाइड्रोजन को वो नहीं दे पाएगा, इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएगा तो रिएक्शन नहीं होगी। और यहाँ पे ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसको ऑक्सीडाइज कर रहा है, ये दोनों अलग अलग रिएक्शन है, एक इसमें एसिड बेस रिएक्शन हो रही है और यहाँ पे रिडॉक्स चल रहा है। आया बेटा? मतलब अब सल्फर हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन दे पा रहा है? अरे नहीं दे पा रहा है यार, नहीं दे पा रहा है, तभी तो बोल रहा हूँ नो रिएक्शन। अरे बहुत इजी रिएक्शन, समझ नहीं पा रहे यार आप। बेटा वहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, सल्फर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, हाइड्रोजन कहाँ है इसके पास, दिखाओ। ओके सर ठीक है। यहाँ पे भी देखो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, प्लस सिक्स में आ गया है जीरो से। तो यहाँ पे इस रिएक्शन को इस तरह से देखना है कि वहां पे ऑक्सीडेशन हो रही है, एसिड बेस रिएक्शन नहीं हो रही है, हाइड्रोजन लेके नहीं आया है, उसका ऑक्सीडेशन हुआ है। और जब कोई एसिड ऑक्सीडेशन कराएगा तो खुद का सो क्या होगा, रिडक्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो नाइट्रोजन जो है प्लस फाइव में है, यहाँ कितना है, प्लस फोर में है, तो खुद का इसका हो गया रिडक्शन। ठीक है सर, HNO3 तो वैसे भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना। हाँ है, मैं तो कह ही रहा हूँ सारे कॉन्सेंट्रेटेड एसिड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यस सर, ये एसिड करता है इन सब से रिएक्ट की सारे नॉन मेटल, सारे नॉन मेटल कर जाएगा इससे, सारे नॉन मेटल्स कर सकते हैं रिएक्ट, कॉन्सेंट्रेटेड है तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इजी रिएक्शन कर जाएगा। सर तो मतलब वहां पे मेटल प्लस H2O बनेगा ना हमेशा, मेटल प्लस साइड में। देखो ये सारे रिएक्शन जो है ना, ये हर एक केस में अलग है, मैं ऐसे जनरलाइज नहीं कर सकता स्टेटमेंट को कि मेटल प्लस H2O बनेगा। अब कहीं आप पढ़ लो कोई रिएक्शन हो गया, इस मास्टर ने गलत पढ़ा दिया, सो आई विल नॉट कमेंट लाइक दिस ऑन एनीथिंग, जो जनरलाइज नहीं किया जा सकता किसी चीज को। ठीक है, समझ पा रहे हो? सर सिलेबस में सल्फर को छोड़ के और कोई है? सल्फर के साथ रिएक्शन पसंद नहीं है, फास्फोरस के साथ करा दो, करवा के दिखाओ, कर पाओगे? मैं करूं सर बेरियम के साथ, पूरा वो हो रहा है बताएं सर, फास्फोरस के साथ वाटर फॉर्म होगा P2O5। लेट मी राइट अ रिएक्शन फॉर यू। तो जैसे ठीक है, यहाँ देख सकते हो आप सभी कि यहाँ पे फॉस्फरस H3PO4 में कन्वर्ट हो गया है। आप वही है बेटा, वहां जीरो था, यहाँ कितना है, प्लस फाइव ऑक्सीडेशन स्टेट है।
फास्फोरस चार्ज कितना आ रहा है बताओ, सर प्लस 5 आएगा, प्लस 5, इसी को हम बोलते हैं फास्फोरिक एसिड, इसी को हम ऑर्थो फास्फोरिक एसिड भी कहते हैं, इसी को हम ऑर्थो फास्फोरिक एसिड भी कहते हैं। अगर मैं आपको H3PO4 का स्ट्रक्चर दिखाऊं, इट इज रियली ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर, याद कर लेना, मैं भी बना सकता हूं। सर एक डाउट है। यस सर, ये मैं बना सकता हूँ। हाँ बोलो, क्या डाउट है? सर रिएक्टिविटी सीरीज में हम हमेशा मेटल को ही इंक्लूड करते, नॉन मेटल्स को क्यों नहीं करते? क्योंकि वो रिएक्टिविटी सीरीज में मेटल था। मैंने तो मेटल ही पढ़ाया था आपको ना? जनरल रिएक्टिविटी सर, जैसे रिएक्टिविटी ऑफ ऑल एलिमेंट्स की अलग बनती है फिर पूरी। बेटा देखो, मेटल की रिएक्टिविटी अलग बना सकते हो, नॉन मेटल की अलग बना सकते हो। अब नॉन मेटल की जो रिएक्टिविटी है, ऐसा जैसे कोई टेबल बना के नहीं पढ़ाया था कभी भी, तो आप फिर उसको पीरियोडिक टेबल में देख सकते हो। मैं आपको देखना सिखाऊंगा, डोंट वरी, ठीक है? बता दूं, पीरियोडिक टेबल में डाउन द ग्रुप नॉन मेटल्स की रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है और मेटल्स की इंक्रीज होती है। अगर आप पीरियोडिक टेबल आपके सामने है तो किसी एक वर्टिकल कॉलम वगैरह उठाते हो तो मेटल वाली प्रॉपर्टी इंक्रीज हो रही है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाली प्रॉपर्टी इंक्रीज हो रही है, इलेक्ट्रॉन गेन करने वाली प्रॉपर्टी डिक्रीज हो रही है। एक बार तो मुझे क्वेश्चन आया था एग्जाम में, यूनिवर्सिटी एग्जाम में, कि आयोडीन इज मोर मेटालिक देन फ्लोरीन, एक्सप्लेन, ठीक है? तो अब आयोडीन इज मोर मेटालिक सुन के तो कोई बच्चा चकरा जाएगा सुन के, बट ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं पूछा उसने, उसे सिंपल सी बात पूछी है कि एज कम्पेयर टू फ्लोरीन आयोडीन की इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर ज्यादा होगी। सही बात है, डाउन द ग्रुप आयोडीन का जो इलेक्ट्रॉन साइज है वो बढ़ रहा है, समझो इस बात को। अभी जब मैं आपको क्लास में पढ़ाता था तो आप में से किसी बच्चे की हिम्मत नहीं थी कि मेरी बात को काट दो। अब मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ तो मन मर्जी से कैमरा ऑन हो रहा है, ऑफ हो रहा है, कुछ बच्चे अभी भी डिसिप्लिन में है, डिसिप्लिन बच्चे भी देख सकता हूँ मैं आप लोगों में बीच में जो कैमरा ऑन करके डिसिप्लिन साथ पढ़ रहे हैं। मैंने पूरी सच में ऑब्जर्व किया, वेरी हैप्पी फॉर देम कि यस दे आर स्टिल डिसिप्लिन। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अब हाथ से निकल गए, ठीक है? तो होता क्या है कि जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप नीचे जाते हो ना, डाउन द ग्रुप एटम का साइज बढ़ता है और जितना आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाएगा उतना ज्यादा उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, उतना ज्यादा निकाल सकते हैं और जितना ज्यादा इजिली उस इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हो वो उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव हुआ ना। तो ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर किसका हुआ, आयोडीन का या फ्लोरीन का? बेटा मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अगर आप पीरियोडिक टेबल देखो ना, तो ग्रुप 17 की बात करते हैं, ग्रुप 17 हैलोजन का होता है, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हैलोजन क्या होता है? हैलोजन्स, हैलोजन का मतलब क्या होता है अनन्या पांडे, बताओ बेटा, अनन्या पांडे बताओ बेटा, हैलोजन का मतलब क्या होता है? कोई बात नहीं, बताया तो और कौन बताएगा? उदय कहाँ है? उदय? यस सर, आई कैन नॉट सी उदय। यस उदय शर्मा बताओ। सर हैलोजन, सर नाइट्रोजन, अरे नाम का मतलब क्या है ये पूछा है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हैलोजन? और कौन बताएगा? विशेष, कुछ विशेष है बताने को? तैयार तो बैठे हो बताने के लिए लगता है। वेरी नाइस, मैं उम्मीद कर रहा था विशेष आपसे, क्योंकि मैंने क्लास में बताया है यमुना बिहारी बात है ना। यस सर, हैलोजन का मतलब, हैलो मतलब क्या होता है? सॉल्ट, जेन मतलब प्रोड्यूसर, ठीक है? हैलो जेन, सॉल्ट प्रोड्यूसर। चैलकोजन क्या होते हैं सौम्या? सर नहीं पता। चालको मतलब जानते हो, जेन मतलब समझ गए आप सभी, प्रोड्यूसर। चालको मतलब होता है, यशी बताएगी, बताओ बड़े यशी।
कोमल कुमारी बताओ बेटा, बस इसका एक फैक्ट पता है कोमल। सर आई डोंट नो दिस। सर बस इससे रिलेटेड एक स्टेटमेंट पता है कि कोमल, आई गेस कोमल इज अ गर्ल, हु इज दिस बॉय स्पीकिंग। यस कोमल बताओ। सर आई डोंट नो दिस। ओके गौरव प्रजापति मानस मिश्रा बताओ आंसर दोनों। सर मैं बताऊं? सर आई डोंट। ओके गौरव कोई बात नहीं, चालकों का मतलब होता है ओर प्रोड्यूसर। ओर प्रोड्यूसर सर नहीं पता था मुझे। अगर आप ग्रुप 16 की बात करोगे तो चालकोजेंस आप देखो ज्यादातर ऑक्साइड आपको ऑक्साइड ज्यादातर मेटल्स या एलिमेंट्स आपको ऑक्साइड फॉर्म में सल्फाइड फॉर्म में मिलते हैं है ना, मेटलर्जी पढ़ाऊंगा ये सारी चीजें। तो अगर आप देखें जब एलिमेंट्स हैं वो ऑक्सीजन से कंबाइंड होते हैं या सल्फर से कंबाइंड होते हैं, तो इसलिए हम कहते हैं ग्रुप 16 को चालकोजेंस, चालको मतलब ओर। ठीक है क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन ये था ग्रुप 17 में मैं बात कर रहा था कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू आयोडीन। फ्लोरीन की टेंडेंसी ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू आयोडीन। ऐसा मैंने इसलिए बोला है क्योंकि समझो तुम पैसे इकट्ठा कर रहे हो और तुम्हारे बगल में एक उड़ता उड़ता 2000 का नोट आ गया, तुम उसे छोड़ दोगे क्या? नहीं ना, मार के दबाई दोगे है ना। तो ये तो बात हुई उस 2000 के नोट की जो आपसे बहुत पास था, ठीक है। और वही होता है फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा होता है तो अपने पास के सारे इलेक्ट्रॉन वो स्ट्रॉन्गली बाइंड कर रखता है और जो उसके पास थोड़ा दूर दूर आते हैं ना उसके आसपास भी कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है वो उसको भी खींचने की कोशिश करेगा। या कोई अगर चाहेगा कि भाई साहब ले लो इलेक्ट्रॉन तो लाओ 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 दे दो, मैं तो चाहिए था इलेक्ट्रॉन लेना चाहता हूँ लाओ। इसलिए फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। यस लेकिन बात करें आयोडीन के तो आयोडीन का साइज बहुत बड़ा है तो तुम जहां बैठे हो पूरे कमरे में चारों ओर नोट ही नोट फैले हुए हैं, ऐसा मानना है चारों तरफ 2000 के नोट पड़े हुए हैं। ठीक है अब तुम कितने नोट समेट पाओगे उसमें? मैं आ गया वो एक एक 2000 नोट चुराने के लिए तो मैं तो आराम से पार कर दूंगा उसको, करूंगा ना। यस कह रहा है मैं छोड़ दिख रहा हूँ तेरे को। सर आप फंसा देते हो मुझे हमेशा ऐसी वाली बातों में। तो बेसिकली इसको इस तरह समझना बेटा कि आप के चारों ओर पैसे ही पैसे फैले हुए हैं, आप पूरी कोशिश कर रहे हो इकट्ठा करने के लिए लेकिन चारों तरफ फैले हुए हैं, कितना इकट्ठा कर लोगे? मैक्सिमम टू मैक्सिमम कोशिश करोगे कि आपका एक भी रुपए को ना छुए, लेकिन हाँ आप जब चारों तरफ पैसे फैले हुए हैं उस केस में आपसे पैसे छीनना आसान है एज कम्पेयर टू जब पैसे आपके बस आपके बगल बगल में है ना। अब आप इजीली समझ पाओगे फ्लोरीन का साइज छोटा है, इलेक्ट्रॉन पास पास में है, स्ट्रांगली बाइंड कर रखेगा, किसी और का आएगा उसको छीन लेगा। आयोडीन की बात करूं आयोडीन का साइज बहुत बड़ा है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बहुत दूर है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा लेकिन कम होगा, इलेक्ट्रॉन निकालना आसान नहीं है फ्लोरीन के मुकाबले आसान है, मैं ये कह रहा हूँ। आयोडीन भी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, मैं भी ये कह रहा हूँ आयोडीन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा लेकिन फ्लोरीन के मुकाबले कम टेंडेंसी है उस इलेक्ट्रॉन गेन करने की, मैं बस इतनी सी बात कह रहा हूँ। ठीक है समझ में आ गया। अगर आप ये कंसेप्ट भूल भी जाओगे तो पैसे वाली बात नहीं भूलोगे है ना। बोलो HNO3 क्या सर? HNO3 में हमेशा NO2 और H2O बाई प्रोडक्ट होगा हमेशा? नहीं बेटा देखो HNO3 जब डिकम्पोज हो जाता है वो N2O NO NO2 किसी किसी भी फॉर्म में डिकम्पोज हो सकता है। अब मैं यूं झट से नहीं कह सकता कि मतलब इसी फॉर्म में ही होगा, रिएक्शन को देख के तय होता है बेटा। जो रिएक्शन हमारे लेवल ओवर पे, हाँ बोलो बोलो बोलो, हमारे लेवल पे सिर्फ NO2 और H2O फॉर्म होगा और कोई एक एसिड फॉर्म होगा। और वेरिएशन भी आ सकती है, मैं ये नहीं कहूंगा कि और कुछ बन नहीं सकता। एक्टिनॉइड्स आर रेडियो एक्टिव कह सकते हो, एक्टिनॉइड्स आर एप्लॉक एलिमेंट्स तो वो रेडियो एक्टिव होते हैं, लैंथेनॉइड्स भी होते हैं शायद मेरे हिसाब से, उसमें भी होते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। ठीक है आर्यन ओके सर। ठीक है अच्छा और कोई डाउट है बेटा? सर हेलो जैसे एक बार फिर से बता दीजिए। हेलो मतलब बोलते हैं हेलो, कौन बोल रहा है? तो हेलो मतलब होता है सॉल्ट। ठीक है
सॉल्ट हेलो जेन सॉल्ट प्रोड्यूसर सॉल्ट जनरेटर अब कह रहे हो मतलब और पड़ी है सर अब आगे बढ़ते हैं छठी भी करते हैं नौ नौ से पढ़ाता रहूंगा क्या मैं क्या उम्मीद कर रहा बेटा आगे बढ़ते हैं आप लोगों ने टाइम नहीं देखा था कोई नहीं बेटा आज हमने बहुत सारे डाउट्स रिजॉल्व किए हैं एंड कोई नहीं सिलेबस का स्लो होगा नो इश्यूज लेकिन हाँ डाउट आपके रिजॉल्व होने चाहिए और कोई डाउट है किसी को सर मुझे जो मैंने आपसे व्हाट्सएप पे भी पूछा था लेकिन वो समझ में ही नहीं आया कि हम कंपाउंड्स का वो कैसे लिखेंगे क्या कहते हैं उसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे क्योंकि सर मैंने आपसे पूछा था कि लुईस बेस और लुईस एसिड को आइडेंटिफाई कैसे करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चैप्टर पढ़ाऊंगा डोंट वरी तब आ जाएगा आपको अच्छा एक बच्चे मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि सर फेनोप्थलीन का पीएच रेंज तो 8 से 10 होता है तो क्या मैं 11 पीएच वाली डाल दूंगा 14 पीएच वाली डाल दूंगा तो क्या क्या काम ऐसे समझो वो उस पीएच रेंज में काम करता है लेकिन फेनोप्थलीन वीक ऑर्गेनिक एसिड होता है जब आप उसे वीक एसिड किसी बेस से मिक्स करोगे तो उसका पीएच इंक्रीज होगा ना तो वो जब पीएच इंक्रीज होगा तो 8 और 10 वाले रेंज को क्रॉस करेगा ना यस सर तो उसमें कलर चेंज हो जाएगा और कलर चेंज हो गया तो आपको कलर चेंज दिख जाएगा मैं ये कह रहा था अगर कुछ किसी बच्चे को समझ में नहीं आया तो मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ आंसर ठीक है ऐसा नहीं है कि वो 8 से 10 का पीएच लेकर बैठा हुआ वीक ऑर्गेनिक एसिड होता है फेनोप्थलीन मैंने लिखवाया भी आपको अरे बस ऐसे समझा दीजिए ऐसा क्यों होता है कि सब्सटेंस की पीएच रेंज होती है और एक स्पेसिफिक पीएच नहीं होता सर एक छोटा सा डाउट पूछ लो बेटा मैं आपको ये कह रहा हूँ कि सपोज आपका कोई बेस है बेस का पीएच है 14 आपने उसमें फेनोप्थलीन डाला तो अब फेनोप्थलीन का पीएच बढ़ेगा तो ऐसा तो नहीं है ना कि पीएच का सीधा उसका फेनोप्थलीन का पीएच सीधा 14 होगा पीएच तो इंक्रीज होगा ग्रेजुअली उसका पीएच इंक्रीज होगा तो 8 to 10 के बीच में तो आएगा ना एक सेकंड के लिए किसी पॉइंट ऑफ टाइम में उसमें उसका कलर चेंज आ रहा है वही कलर आप चेंज ऑब्जर्व कर लेते हो मैं बस ये कह रहा हूं ओके सर एक और डाउट था सर अमोनिया गैस जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके NO और H2O बना रही है तो ये कौन से एग्जांपल है रिएक्शन का सर ऑप्शन है डिस्प्लेसमेंट कॉम्बिनेशन रेडॉक्स और न्यूट्रलाइजेशन दो कोई है इनसे कोई दो बताना आप रेडॉक्स भी है ये और कॉम्बिनेशन भी है नाइट्रोजन कंबाइनिंग विद ऑक्सीजन सर कॉम्बिनेशन कैसे क्योंकि इसमें दो सब्सटेंस फॉर्म हो रहे हैं हाँ बट इसको कॉम्बिनेशन के फॉर्म में हम इसलिए देख रहे हैं क्योंकि नाइट्रोजन इज कंबाइनिंग विद ऑक्सीजन और वाटर को हमेशा एज अ हम इसको मेन प्रोडक्ट नहीं मानते वाटर तो आप कितना ऐड कर लो कितना सब्ट्रैक्ट कर लो आपकी इच्छा है ठीक है 11-12 का रिएक्शन जब पड़ोगे ना वहाँ बैलेंसिंग में वाटर भी हम अपनी तरफ से ऐड कर देते हैं तो वाटर को हम वैसे कुछ ऐसा एक मेन प्रोडक्ट की तरह हम नहीं देखते वाटर तो आप रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए डाल भी सकते हो सर लेट मी स्पीक स्लोली बेटा को पानी पी लो मैं सर आपने रिडॉक्स में ही बताया था कि वाटर ऐड कर सकते हाँ बेटा मैं कह रहा हूँ कि 11-12 की ऐसी रिएक्शन होंगी जहां पे आप देखोगे कि वाटर इज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन एंड So water is not the main product of reaction. So on a major scale, you will see that nitrogen is combining with oxygen. So it's a combination reaction. And here the ammonia nitrogen is having -3 oxidation state. And in NO2, you will see it's +4 oxygen state. So NO2 नहीं NO है. +2 हो गया. -3 आया तो change in oxidation number हो रहा है. Redox हो रहा है. पर आंसर में तो उसने रेडॉक्स के साथ डिस्प्लेसमेंट दिया है कॉम्बिनेशन नहीं दिया एग्जांपलर कोई बात नहीं मेरे अकॉर्डिंग कॉम्बिनेशन होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट दिया कोई बात नहीं कॉम्बिनेशन सर डिस्प्लेसमेंट कैसे वो एक बार समझा दो मैं खुद कह रहा हूँ कॉम्बिनेशन होना चाहिए मैं डिस्प्लेसमेंट कैसे समझाऊं ओके सर ओके है ना तो हो सकता है वो ऑप्शंस का एरर हो सर हां सर एक क्वेश्चन आया था मेरे पास कि ऑन द बेसिस ऑफ एसिड सॉरी ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी डिटरमाइन द स्ट्रेंथ दैट विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड वुड बी मोस्ट मतलब सबसे ज्यादा तगड़ा मुझे आयोनाइजेशन कांस्टेंट का आइडिया होना चाहिए उसके लिए लिव इट
अभी तुम्हें आयनाइजेशन कांस्टेंट नहीं आता सर, उसके लिए सर उसके लिए तो कंसंट्रेशन ही दिया हुआ था क्या सर उसके लिए कंसंट्रेशन दिया ही नहीं हुआ था वरना तो निकाल सकता था मैं अगर कंसंट्रेशन क्या क्वेश्चन क्या फिर से बोलो सर मैंने आपसे व्हाट्सएप पे पूछा था मुझे क्वेश्चन आया था कि यूजिंग ब्रॉन्स्टेड लोरी थ्योरम मतलब ब्रॉन्स्टेड लोरी थ्योरम के अकॉर्डिंग जो है आपको बताना है कि सबसे ज्यादा बताया था डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंशिएशन कांस्टेंट कितना इजीली वो प्रोटॉन डोनेट कर रहा है कितना इजीली प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है आप ये तय कर सकते हो कि वो कितना अच्छा एसिड है या बेस है सर लेकिन वहां पे कोई वो ही नहीं दे रखा था कंसंट्रेशन नहीं दे रखा था तो मैं कांस्टेंट वाले चीजें लगाता कैसे वहां पे ओके देखो बेटा आप मुझे क्वेश्चन ओरिजिनल क्वेश्चन जो है ना मुझे व्हाट्सएप करना कहां देखा था आपने क्वेश्चन सर ये मैंने फिटजी के पास्ट ईयर पेपर में देखा हाँ तो आप मुझे क्वेश्चन एग्जैक्ट वो दिखाना ठीक है आपका जो स्टेटमेंट है उसको मैं उसके ऑप्शंस के साथ या जो भी वो पूछता है ना उसको दिखाना चाहता हूँ मैं है ना आप मुझे ओरिजिनल क्वेश्चन दिखाओगे तो मैं आपको बेटर इस पे कमेंट कर पाऊंगा कि आप उसको कैसे सॉल्व करोगे ठीक है जैसे आप में से कुछ बच्चे हैं उन्होंने बहुत तरह के पीएच वाले क्वेश्चन पूछे थे तो उस बच्चे को मैंने अपने आयनिक इक्विलिब्रियम के नोट्स पर्सनल नोट्स मैंने उनको भेजे हैं फॉर्मूलेस तो इट्स नॉट अ बिग क्वेश्चन आप मुझे वो एग्जैक्ट क्वेश्चन मुझे व्हाट्सएप कर देना नेक्स्ट डाउट सर यस सर अगर हम MgO को इस वाटर इन द फॉर्म ऑफ स्टीम में मिक्स करें तो सर क्या होगा तो करके देखना पड़ेगा ऐसे कैसे मैं कैसे बोलूं मैं वो नहीं हूं ना ऐसा नहीं बेटा कि ब्रह्मा जी आए थे मेरे सपनों में मुझे पूरा मैटर का ज्ञान दे गए थे है ना तो मैंने भी वे रिएक्शंस पढ़ी हैं पहले मैंने वो पढ़ा फिर पढ़ा दिया आप एक ऐसा कंडीशन मुझे क्या करके दोगे मैं ऑल ऑफ अ सडन कमेंट नहीं कर सकता कि होगा क्या इट इज जस्ट लाइक सर अगर मैं पेट्रोल पंप में माचिस जलाऊंगा और माचिस जला के चेक करूंगा पेट्रोल पंप के टैंक में कि पेट्रोल है या नहीं सर कितना खतरनाक धमाका होने वाला है तो करके देखना पड़ेगा ना आप समझ रहे हो तो रिक्वेस्ट देखो समझ लो बेटा ये तो मैंने बात करी उसकी कि ऐसे क्वेश्चंस को हम एकदम से आंसर नहीं कर सकते या करना भी नहीं चाहिए कि कुछ भी हो सकता है अगर कुछ जो मैंने बोला उसका उल्टा हो गया तो आप कहोगे सर ने गलत बताया लेकिन अगर आप ध्यान से समझो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो एक हाईली हाई एनर्जी स्टेट वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्ट कर रहा है मे बी हाइड्रोक्साइड बने बट इट विल बी अनस्टेबल इट विल अगेन फॉर्म ऑक्साइड अकॉर्डिंग टू मी बिकॉज हाई एनर्जी स्टेट में हाई एनर्जी स्टेट का कुछ स्टेबल नहीं होगा नेक्स्ट डाउट जैसे क्योंकि जब हम एमजी को वाटर से कराते हैं सर तब भी एमजीओ बनता है जब हम स्टीम के फॉर्म में करते हैं क्योंकि वो बहुत हाई एनर्जी होती है तो सर वो नो रिएक्शन होना चाहिए क्यों नो रिएक्शन क्यों होगी मैं बोल तो रहा हूँ ना कि मे बी हाइड्रोक्साइड बन जाए मैं कुछ मना नहीं कर रहा हूँ मे बी हाइड्रोक्साइड बन जाए अब वो तो बेटा अब मैं तू ने कंफर्म कर दे नो रिएक्शन होगी मैं बोल रहा हूँ मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकता ऐसा ऐसा हो सकता है बेटा ओके नेक्स्ट डाउट सर हाँ सर जैसे हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लेते तो सर उसमें बॉन्ड फॉर्मेशन भी होता है और सर बॉन्ड इकाई से ब्रेक भी हो रहा है तो सर उसमें एनर्जी रिलीज ज्यादा होगी या एनर्जी एब्जॉर्ब ज्यादा होगी डिपेंड करेगा बेटा है ना जैसे अगर मैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की बात करूं तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है ना तो यस सर अब डिपेंडिंग अपॉन एसिड स्ट्रांग है या नहीं बेस स्ट्रांग है या नहीं एनर्जी में चेंजेस आते हैं अगर आपको उसके थर्मोडायनेमिक का आइडिया होगा ठीक है थर्मोकेमिकल एनर्जी जो इन्वॉल्व है उसका आइडिया है तब तय कर सकते हो एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक ऐसा रैंडमली मतलब ऐसा नहीं होगा कि एनर्जी रिलीज्ड और एनर्जी एब्जॉर्ब मतलब सर जो ओवरऑल एनर्जी है जीरो हो जाएगी क्योंकि सर जितनी एनर्जी रिलीज होती है एब्जॉर्ब हाउ कैन यू से दिस ओवरऑल एनर्जी जीरो नहीं हो सकती तो मतलब इन द सेंस कि सर मतलब जितनी एनर्जी रिलीज हुई उतनी एब्जॉर्ब हो गई जितनी रिलीज हुई उतनी एब्जॉर्ब होगी ऐसा कह नहीं सकते बेटा रिएक्शन को देखना पड़ेगा ऐसे कैसे बोल दूं मैं आपको सारा डेटा दिया जाएगा और आपको सारा सॉल्व करना पड़ता है उसको ये थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा जाए हाँ
तो उसको रिएक्टेंट्स की वैल्यू दी जाएगी, प्रोडक्ट्स दी जाएगी, फिर उसको हम हेस लॉ के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। सर हाँ बोलो। थैंक यू सर। सर मेरे पास एक्चुअली क्वेश्चन है सामने में, वो वाला जो मैंने आपसे पूछा था, उसमें रिएक्शन दे रखी है HClO4 सॉल्यूशन प्लस CH3COH। ऐसे नहीं बेटा, ऐसे नहीं। आप मुझे उसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेजो, आप मत पढ़ो उसको, लेट मी सी आप लोग क्या पूछ रहे हो आप, है ना, मुझे तय करना क्या पूछ रहे हो। आप उस तरह से ही बोलोगे जिस तरह से आप समझ रहे हो। लेट मी ऑब्जर्व दैट क्वेश्चन। नेक्स्ट डाउट पर्सनल डाउट है वो सकते हो। हाँ बोलो बोलो सर। आपने लास्ट क्लास में होमवर्क दिया था कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाटर में सॉल्यूबल होता है या नहीं, तो सर मैंने सर्च किया, उसमें आ रहा था पार्शियली सॉल्यूबल होता है, तो सर ये सही है? और वो क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड है वीक एसिड है? सर स्ट्रॉन्ग आ रहा था। ओके वो स्ट्रॉन्ग एसिड, अच्छा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, आर यू श्योर? पर एसिड तो होता ही नहीं है। सॉरी मैम सर, स्ट्रॉन्ग बेस, सॉरी सर एसिड कह दिया। वो स्ट्रॉन्ग बेस होता है बट वो सॉलिड होता है वाटर में। सर आपने सर गलत बताया था सर, एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज सॉल्युबल इन वाटर। सर वो चार को जेंगे सर स्पेलिंग क्या थी अभी? तो सर हम वो कर पाते हैं उससे, वाइट वॉशिंग, सी एच ए एल सी ओ जी ई एन। ओके सर थैंक यू। दैट इज आउट। श्याम भाभी कोई डाउट नहीं बेटा, सब कुछ समझ में आ गया? ओके लवीश बलियान कैमरा ऑफ है, अनिश ठाकुर कैमरा ऑफ है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, बट कैमरा ऑन करके बैठो, आई रिक्वेस्ट यू ऑल। ये आपको डिसिप्लिन से पढ़ने का एक जरिया देगा, क्योंकि देखो डर बहुत जरूरी है। जब आपके मन में डर होता है ना कि सर देख रहे हैं और सर हमें ऑब्जर्व कर सकते कभी भी, तो आप बहुत डिसिप्लिन से पढ़ते हो, और शायद जिसने आज कैमरा ऑन किया है शायद आपका जो लर्निंग लेवल रहा है बाकी दोनों के मुकाबले बेटर लगा होगा आपको। आज आज केमिस्ट्री ज्यादा समझ में आई होगी, और मैंने पर्सनली फील किया कि आप लोगों ने ज्यादा डाउट पूछा है मुझसे आज। Am I right? क्या ये ऑब्जर्वेशन सही है? Yes sir. Yes sir. Yes sir. हो गए। Yes sir. ठीक है सर, हर चीज में डाउट है, ऐसे साइड पड़ा है फोन पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। सर क्लास ले रहे हैं आप लोग, अपना आईपीएल का बैटिंग कर रहे हो बैठ के एमपीएल पे, कौन कौन करता है ये एमपीएल पे, कौन कौन ध्यान देता है, कोई है एमपीएल पे खेल रहा हुआ? ये जो प्रीमियर लीग चल रहे हैं आजकल, आप आ गए ना? नो सर, क्रिकेट में मुझे देखने में इंटरेस्ट है, खेल लो। ठीक है, डोंट इन्वॉल्व इन सच एक्टिविटीज। अगर आप एक रुपए की गैम्बलिंग कर रहे हो तो वो गैम्बलिंग ही होगी। ठीक है, इस तरह के कभी भी चीप एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं करना है। ठीक है, इट इज नॉट गुड फॉर यू एंड इट इज नॉट ऑल्सो गुड फॉर यू फाइनेंशियली। ठीक है, पैसे चाहिए पापा से मांग लो, खत्म हो गई बात। लेकिन इस तरह से शॉर्टकट्स गेम नहीं खेलना है। ठीक है, लास्ट ईयर आई ऑब्जर्व 10th क्लास के बच्चे इसमें बहुत इन्वॉल्व थे, उनको डाटा भी था। आप लोगों को भी रिकमेंडेशन है, याद रखना बेटा गैम्बलिंग उसी की होती है जो गैम्बलिंग करवाता है। ठीक है, कभी भी उसका जो पार्टिसिपेंट है वो कभी विनर नहीं होता उसका, इसलिए नेवर गेट इन्वॉल्व इन सच थिंग्स, इट विल अल्टीमेटली ब्रिंग लॉस टू यू, अल्टीमेटली टू ब्रिंग लॉस टू यू एट एनी कॉस्ट, यू विल फाइंड इट। मैं तो देखता भी नहीं। तो हो गया छोटा मोटा ज्ञान आज की क्लास। यस सर, थैंक यू सर। कोई डाउट है, शैल वी एंड आवर क्लास टुडे? यस सर। अरे डाउट है सर। हां बोल दीजिए, क्या डाउट है? यस सर, मैंने पूछा था सर वो सर आयंस का और सर टेंपरेचर का क्या रिलेशन है सर, वो नेट के इशू सर, मैं सुनी बस एक बार रिपीट कर दीजिए सर। बेटा जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हो इलेक्ट्रॉन निकालना इजी हो जाता है किसी भी एटम से। ठीक है, समझ रहे हो? मतलब आयंस बढ़ेंगे? नहीं समझा, अब मैं समझाता हूँ। सपोज तेरे जेब में 2000 के बहुत सारे नोट हैं। ठीक है, और मैं आया जैसे हाथ जोड़ के मैंने बोला कि प्लीज आप मुझे 20 लाख रुपए दे दो, क्या देगा? देगा बेटा? दे देगा? महात्मा आदमी है तो फिर सर बहुत सारे नोट है ना, जानकारी करने सर सर नहीं दूंगा सर। हाँ,
और यही काम अगर मैं किसी धारदार हथियार के दम पे करूं तो सर ये दूंगा सर, तो कहेगा सर जी जो, और सर घर पे भी ये देता हूँ, ला के देता हूँ, है ना। तो इसको आसान भाषा में समझाना चाहता हूँ, जब टेम्परेचर बढ़ाते हो ना तो इलेक्ट्रॉन निकालना इजी हो जाता है। किसी भी एटम का अगर अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी उसके कारण उसकी, तो ऑब्वियसली बात है वो हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। और जो इलेक्ट्रॉन उसके अंदर प्रेजेंट है, जो सोडियम है, सोडियम का इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वो उसको उल्टा और अनस्टेबल कर रहा है, समझ रहे हो। तो वो कहेगा भाई तू तो निकल पहले बाहर, ऑलरेडी एनर्जी बढ़ती जा रही, पता नहीं क्या हो गया मेरे साथ, है ना। अंडरस्टूड? मतलब मेरे एक सर थे, मनी सर आपने जीमेल आईडी दी नहीं, मेरा चैट बॉक्स दे दी है, चेक करो, स्टार्टिंग में दे दी है। तो माय टीचर यूज्ड टू गिव मी मनी, यूज्ड टू टेक दिस मनी एज एग्जांपल एंड ट्रस्ट मी, बहुत सारे एग्जांपल, बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते थे मेरे। तो आई हैव ट्राइड दिस फॉर यू, आप भी कर सकते हो, ऐसा सोच सकते हो, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आती है इससे, ठीक है। एंड टेक इट पॉजिटिवली, ठीक है। आई एम नॉट गोइंग टू आस्क यू फॉर मनी, ठीक है, इट इज जस्ट फॉर फन। आई होप यू विल टेक इट पॉजिटिवली। यस सर, यस सर, सिर्फ एग्जांपल। किसी को और डाउट है? क्लास एंड कर लें आज? यस सर, सर एंड करते हैं अब। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू सर, गुड नाइट, थैंक यू, गुड नाइट सर, गुड नाइट सर, गुड नाइट सर, थैंक यू सर, गुड नाइट सर, गुड इवनिंग सर, बाय सबको। ये जीमेल आईडी सर की है? हां, एडू में ये एडू में करना है ना सर की? हां, ओके, थैंक।